हेलो, हेलो। ये एक हम नई लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग हिस्ट्री को देखना शुरू करेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के फिर मेडिवल और उसके बाद मॉडर्न तक पढ़ेंगे। और जो टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे वो एसएससी और जो स्टेट लेवल पीएससी होती है उसके लिए तो इनफ है। थोड़ा बहुत टॉपिक यूपीएससी के लिए भी रेलेवेंट हो सकता है, लेकिन जो डिस्कशन करेंगे उसके अलावा अगर आप अपने से भी कुछ अगर एडिशनल उसमें ऐड करते चले कंटेंट को, तो आप यूपीएससी के लिए भी अच्छा कंटेंट यहाँ से बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि थोड़ा इंटरेक्टिव वे में रहें और मैप्स को, चीज़ों को, इमेजेस को, इन सब के माध्यम से सीखने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो एंशियंट हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक कल्चर्स इन इंडिया है। ठीक है, देखते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। कंटेंट हमने अच्छा खासा डेवलप किया है, आप अगर इसका नोट भी लेते चले तो भी आप बहुत आसानी से एमसीक्यू और अगर आप आंसर राइटिंग वगैरह भी करते हैं तो आप वहाँ के लिए भी अच्छा खासा कंटेंट यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। जो मेन सोर्स है इसका वो कुछ बुक्स है, अच्छे राइटर्स की बुक्स है, प्लस कुछ रिसर्च पेपर्स भी है, कुछ अपना पर्सनल क्यूरियोसिटी वाला टॉपिक भी है जो थोड़ा डेप्थ में जा कर के रिसर्च किया हुआ है, साथ साथ में एनसीईआरटी का कंटेंट है, प्लस मेजर कंटेंट विकिपीडिया से है। आई मीन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो विकिपीडिया ही है, उसके अलावा जो इमेजेस वगैरह इधर उधर से देख करके तो वो है। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच लेने का कोशिश किया गया है, तो आप भी प्रैक्टिकली अगर समझे तो बहुत अच्छा लगेगा, और अपना जो इंटरेस्ट है उस टॉपिक के प्रति अगर आपको आता है तो आप जाहिर सी बात है और भी डिटेल में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स यानी कि जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं उसमें खास मेजर फोकस हमारा इंडियन हिस्ट्री रहेगा, मतलब अपना भारत ही रहेगा, और हमने बाहर की चीज़ों को बिल्कुल लगभग एलिमिनेट किया है, कोशिश किया है कि उनको ना टच किया जाए। रीज़न क्या है कि जब हम इंडियन पेपर की प्रिपरेशन करते हैं अपने यहाँ के लिए, एसएससी वगैरह के लिए, तो बाहर की चीज़ें हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में नहीं पूछी जाती है, खासकर प्री हिस्ट्री वगैरह जिसका कोई बहुत ऑथेंटिक ज़्यादा सोर्सेस नहीं है। ठीक है, हमारा देश जो है वो खुद इतने रिच कल्चर से भरा पड़ा है कि हम बाहर के अगर टॉपिक को कवर करने लगे तो फिर हमारे यहाँ ही मतलब आप पूरा नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो जो एग्जामिनर है उनका फोकस तो ये रहता है कि आप हमारा जो टॉपिक है इंडियन कल्चर, इंडियन एंशियंट हिस्ट्री और जो प्री हिस्टोरिक पार्ट है वहाँ से ज़्यादा सवाल को बनाया जाए ताकि आप हमारे भारत को जान पाए। ठीक है, तो जो टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे वो पीरियडाइजेशन का रहेगा, यानी कि कैसे टाइम टू टाइम जो हमारा कल्चर डेवलप होता चला गया। फिर कुछ सोर्सेस पढ़ेंगे, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बाकी पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक ये फेज तो जानते ही हैं, इनको भी हल्का जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जब देखेंगे सेल्कोलिथिक और उसके बाद जो मेजर कल्चर है उन सबको देखेंगे। चलिए आगे आते हैं। ये मैप हमने रखा है, बार बार जब वापस आके देखना पड़े ना कुछ मैप के ऊपर में, तो यहाँ हम लोग रिलेवेंस लेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला क्या है कि अर्लीस्ट एविडेंस रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ मैन इन इंडिया। ठीक है, इन प्लायोसिन डिपॉजिट आप देखोगे, चलो ये बार बार नरेट करना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। देखो यहाँ पे आप मैप के ऊपर में, सबसे पहले मैप को रेफर करो, देखो यहाँ पर आपको ये फॉल्ट लिखा हुआ है। आप जानते होंगे फॉल्ट क्या होता है, जब भी टेक्टोनिक प्लेट वगैरह मूव करती है, ठीक है, कोई प्लेट मूव करेगी तो या तो एक दूसरे से टकराएगी, है ना, सॉरी, या तो एक दूसरे से टकराएगी, कन्वर्ज करेगी, उसको हम कन्वर्ज कहते हैं, या तो अलग होगी, डाइवर्ज करेगी। तो जब भी जहाँ से ये कन्वर्ज करेगी या जहाँ से ये डाइवर्ज करेगी, जहाँ से सेपरेट होगी, इस पार्टिकुलर प्लेट, इस एरिया को हम लोग फॉल्ट लाइन कहते हैं। और इन्हीं फॉल्ट लाइन पे, मतलब ये जो ऐसे हिस्से होते हैं, मतलब विश्व में हर जगह पे हैं, भारत में भी बहुत सारे हैं, इन्हीं सब हिस्सों पे हमको सबसे पुराने, ओल्डेस्ट से भी ओल्डेस्ट चीज़ें मिल जाती हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब मान लो कि ये डाइवर्ट कर रहा है, सपोज फॉर अ केस ये डाइवर्ट कर रहा है, तो जैसे ये डाइवर्ज करेगा, टूटेगा, ये नेचुरली एक ब्रेक हो रहा है, तो जो यहाँ पे डेप्थ क्रिएट होगा, तो हम डेप्थ में अगर नीचे चले जाए, यानी कि हम इतिहास में नीचे जा रहे हैं। ठीक है, प्री हिस्ट्री, यहाँ से जो हमको रॉक्स मिलेंगे, अगर और डेप्थ बढ़ता है वहाँ से रॉक मिलेंगे, तो ओल्डेस्ट रॉक, तो इन्हीं को स्टडी किया जाता है।
कि भाई उस समय का कैसा मौसम था। अगर यहाँ पे हमें कुछ फॉसिल्स फॉसिल वगैरह मिल जाते हैं तो फिर रिसर्च को टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर प्लायोसीन फेज है ना, इपो बोलते हैं इसको, प्लायोसीन फेज जो कि 5.3 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 1.8 मिलियन ईयर्स एगो तक रहा होगा, ठीक है। वो बताते हैं कि शिवालिक माउंटेन जो है ना, आप जानते होंगे हमारे हिमालय में तीन हैं, ठीक है, उसमें से जो सबसे नीचे वाला है उसको हम लोग शिवालिक रेंज करते हैं, यंगेस्ट ईस्टवर्ड माउंटेन चेन ऑफ हिमालय, ऑल्सो कॉल्ड रामापिथेकस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये आप समझो, पिथेकस का मतलब क्या हो गया, आज का आप मंकी बोल दो या आप एप्स बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो फॉसिल है, एक फॉसिल मिला हमें एप्स का, ठीक है, मंकी का एक फॉसिल मिला जो कि शिवालिक के प्लायोसीन डिपॉजिट में मिला, यानी कि शिवालिक के भी जो माउंटेन है, शिवालिक माउंटेन रेंज है, उसके भी इन सब दरार वगैरह में या एकदम बिल्कुल लोअर पार्ट में, फॉल्ट लाइन के पास में बिल्कुल लोअर पार्ट में वहाँ पे एक फॉसिल प्राप्त हुआ जिसका नाम इन्होंने दिया रामापिथेकस। राम लिखा है यहाँ पे, रामापिथेकस, हालांकि एक बंदर है इस तरीके से, तो नाम दिया गया रामापिथेकस, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है, कि आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो रामापिथेकस की फॉसिल है, ठीक है, वह हमें कहाँ से मिली थी, तो शिवालिक रेंज से मिली थी, ठीक है, और वो कौन से फेज से बिलोंग करता है, तो वो प्लायोसीन फेज से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या जा रहा है कि नो फॉसिल्स ऑफ अर्ली मैन फाउंड इन सब कंटिनेंट बट देयर प्रेजेंस इज इंडिकेटेड बाय स्टोन टूल्स अराउंड 250 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। देखो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 2.5 लाख साल से पहले के हमको कोई आज तक फॉसिल नहीं प्राप्त हुए हैं, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं वो बिल्कुल वैनिश हो चुके हैं या हम अभी तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टोन टूल्स मिले हैं। तो इससे कहा जा सकता है कि उसके पहले भी, 2.5 साल पहले से भी भारत में मानव रहता था, पर कोई पुख्ता सबूत इस तरीके का फॉसिल के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। उसके पहले के फॉसिल जब मिलते हैं ना, तो उसमें एनिमल्स वगैरह के और डायनासोर्स के बहुत सारे फॉसिल वगैरह मिल जाते हैं, है ना, रेप्टाइल्स के फॉसिल मिल जाते हैं, लेकिन ह्यूमन का स्कल बोन वगैरह नहीं मिला है वहाँ तक। तो जो ओल्डेस्ट ह्यूमन का कुछ मिला है वो प्लायोसीन डिपॉजिट में मिला है, शिवालिक मिला है, याद रखिएगा, ठीक है, 5.3 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये ह्यूमन भी नहीं बोला जा सकता है, मतलब ये तो उस समय का डेवलपमेंट का फेज रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम तो इन्हीं से डेवलप होकर के आए हैं, तो इसको एक ठोस सबूत माना जा सकता है। चलो तो ये जो अभी देखे हमने बात करा ना, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि क्या बोला जा रहा है, प्लायोसीन वगैरह क्या है नहीं, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा इस फेज को, इसको पढ़ने का कोशिश करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ना डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। देखो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, जब आप सिविल सर्विसेज वगैरह या पीएससी का पेपर देने जाओगे तब आपको इसमें से अगर कुछ नॉलेज रहता है, कुछ आप जानते हो, तो आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हो या अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। इवन एमसी के लिए भी ये काफ़ी काम का है। देखो सबसे पहले अगर कहा जा रहा है ना अर्लियर एप्स, ठीक है, इसको नकाली पिथेकस कहा जाए। देखो पिथेकस जब भी लिखा रहे तो याद रखिएगा एप्स, ठीक है, या आप आज के डेट में दिमाग में रखने को मंकी बोल सकते हो, ठीक है, जो जिनसे हमारा एवोल्यूशन हुआ है ऐसा साइंस कहती है, ठीक है। 10 मिलियन ईयर्स है वो, ठीक है, 10 लाख साल पहले, धीरे 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 धीरे, देखो कितना कितना बड़ा फेज है, 10 लाख से 9 लाख धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, और इनके भी व्यवहार में बदलाव हो रहा है, इनके बॉडी स्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा है, जो हेयर्स है वो कम हो रहा है, फिर धीरे धीरे ये 4 पैरों की जगह पे 2 पैरों तक, जब आप देखोगे होमोनिनी, यहाँ से फिर कहा जाता है कि ये 4 पैरों की जगह पे 2 पैरों तक आ गए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ से प्रॉपर कहो इस जगह से तो डेवलपमेंट शुरू हुआ और यहाँ से स्टोन टूल्स हमको मिलने शुरू होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है 1, 2, 3 बना करके कि भाई ऑस्ट्रेलोपिथेकस है तो क्या उसको हम स्टोन टूल से जोड़ सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से तो कहा जाता है, थोड़ा बहुत सोच, हल्का सा थोड़ा सा सोच जो है, यानी कि थिंकिंग स्किल यहाँ से डेवलप होता दिख रहा है, और 2 पैरों पे खड़ा होना भी लगभग वो यहाँ से तरीके से शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखो तो फिर होमो हैबिलिस, तो यहाँ आप देखो ये वाला फेज जो है मायोसिन, फिर प्लायोसिन, फिर आपको प्लेस्टोसिन। आपसे पूछ देंगे कि आप इसको अरेंज करो पहले क्या आया नहीं आया,
तो आप मायोसिन बोल देना, फिर प्लायोसिन, फिर प्लेस्टोसिन। प्लेस्टोसिन यानी कि जिसको हम लोग आइस एज भी बोलते हैं, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा आइस एज, जो अभी हिमखंड पूरा समय था जहाँ पे केवल आइस ही आइस थे, उस वक्त के फेज को भी प्लायोसिन बोलते हैं। तो ये भी आपसे पेपर पूछा जा सकता है कि रिलेट करो ये चीज़, ठीक है। तो फिर धीरे होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ये वाला जो है लगभग डेवलपमेंट कहा जा सकता है, ठीक है, होमो इरेक्टस। अब आपको पढ़ना होगा खुद, जो टॉपिक यहाँ डिस्कशन हो रहा है, आपको खुद से, आपकी इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, आपको खुद से इसमें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा करके, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अर्ली फायर यूज, तो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं भाई फायर यूज जब की बात आती है आग की, तो फिर उसमें से जो ह्यूमन इवोल्यूशन का नाम आएगा वो कौन सा आएगा, तो ह्यूमन इरेक्टस आएगा, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर ये कुकिंग वगैरह भी शुरू कर दे रहे हैं, इसके पहले तो हंटर गैदरिंग केवल ये चीज़ चल रहा है, और फिर धीरे 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 यहाँ पर आपको एक होमो सेपियंस के रूप में हम मिलते हैं, यानी कि मॉडर्न ह्यूमन मिलता है। ये हमने विकिपीडिया से यहाँ पे इसको कॉपी किया था, ठीक है। अगेन आप विकिपीडिया पर जाकर के इस टॉपिक को लिख सकते हैं और एक एक के बारे में अच्छा खासा डिटेल ले सकते हैं, बट नॉट रिलेवेंट, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको बस हल्का सा ये वाला थोड़ा सा फेज याद रखना है कि किस वक्त क्या हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ये स्टोन टूल से इनसे ही ज़्यादा पूछेंगे कि इसके पहले का तो लिखा जरूर है, कोई ठोस एविडेंस किसी के पास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इन डिवाइडिंग अप ह्यूमन प्रीहिस्टोरियन यूरेशिया, तो जो कुछ लेना देना नहीं, ये वाला काम का चीज़ है। ये कह रहे हैं कि तीन हिस्से में हमने खासकर बांटा, स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज, ठीक है। तो जो ह्यूमन प्रीहिस्टोरी है खासकर इंडिया में, ये तीन हिस्से में रहेगी, और खासकर ये टूल मेकिंग टेक्निक इसके ऊपर में ही इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, और हम भी जब एनसीईआरटी की बुक को देखते हैं तो भी हमको इसी तरीके से मिलता है। तो जियोलॉजिकल बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो हम ना ज़्यादा पढ़ते हैं, ना ज़्यादा हमारे डिस्कशन होता है, हमारे यहाँ ये स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन एज के ग्रुप में होता है। आगे आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टॉकिंग ऑफ इंडियाज अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स, वन कैन नॉट मिस मेंशनिंग द फॉसिल्स ऑफ चिंक लाइक ट्री ड्वेलिंग प्रीमेट्स हु रोम्ड इन इंडिया। देखो यहाँ क्या लिखा, 12.3 मिलियन से वो, और क्या नाम दिया गया है, शिवा पीतेकस एंड राम पीतेकस, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। शिवा पीतेकस और राम, तो शिव और राम है, तो ये नाम बिल्कुल दिया गया है ना, जो हिस्टोरियन हमारे रिसर्च करते हैं उनको, क्योंकि आप जानते हैं गॉड है हमारे, तो इन्होंने इनको नाम दिया गया सबसे पहले। शिवा पीतेकस जो है वो मेल वर्जन है, और राम पीतेकस जो है वो फीमेल वर्जन है, ये भी याद रखिएगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। और मायोसिन एरा जो है, जैसे आप हमने अभी यहाँ क्या देखा, मायोसिन पहले का भी, ये जो अभी हमने रामापीतेकस शिवापीतेकस की बात करी वो आपको प्लायोसिन फेज के हैं, उसके भी पहले यानी कि मायोसिन फेज के भी हमको फॉसिल मिलते हैं, ठीक है, जिसको जाइगेंटोपीथेकस के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इसका ठोस डिस्कशन नहीं है। तो अगेन आप याद नहीं रखें, फिर भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और यहाँ देखो आप लिव्ड अराउंड 6 to 9 मिलियन ईयर्स अगो इन नॉर्दर्न इंडिया, तो थोड़ा सा देख लेना आप रिसर्च का पार्ट अपना। दोस शिवापीतेकस इज स्लाइटली लार्जर देन रामापीतेकस, द टू फॉसिल्स आर क्लोजली रिलेटेड एंड आई बिलीव टू बी एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न ओरैंगउटांस, ठीक है, सेम चीज है, कुछ है नहीं अलग। द अर्लीस्ट फॉसिल एविडेंस ऑफ होमो इरेक्टस, है ना, अभी हमने इरेक्टस की बात करी इस फेज में, ठीक है। प्रेजेंस इन द इंडिया वाज प्रोवाइडेड बाय द डिस्कवरी ऑफ द फॉसिल डिस्कल्ड ऑफ नर्मदा ह्यूमन, अगेन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे नर्मदा ह्यूमन के बारे में पूछा जा सकता है या नर्मदा मैन के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसकी डिस्कवरी कब हुई, 1982 में, ठीक है। नर्मदा के किनारे हथनौरा नाम का एक गाँव है मध्य प्रदेश में, उसके आसपास में, यहाँ जियोलॉजिस्ट का नाम लिखा है अरुण सोनकिया, मोस्ट टेंटलाइजिंग फॉसिल डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन लाइक एंसेस्टर टिल देन ओनली स्टोन टूल यूज बाय द होमो इरेक्टस हैज बीन फाउंड नॉट एन एक्चुअल फॉसिल। देखो कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा नर्मदा का वैली है, ठीक है, अब मैप का यूज करते हैं जरा सा, आप जानते होंगे कि नर्मदा जो है वो लगभग यहाँ से निकलती है मैकॉल हिल्स अमरकंटक के पास में, ठीक है, उसके बाद वो यहाँ से लगभग इस तरीके से बढ़ते हुए आगे बढ़ती है गुजरात, उसके बाद फिर ये वाला जो हमारा पूरा फेज है, ये वाला जो हमारा पूरा एरिया है, ठीक है, ये वाला, ये पूरे इस तरीके के चीज़ों से भरा पड़ा है ना,
एंशियंट कल्चर से भी भरा पड़ा है, क्योंकि आप जानते होंगे कि ये एरिया जो है वो गोंड ट्राइब का एक मेजर एरिया है, और इस एरिया में आपको काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी माउंटेन रेंज है। जैसे हमने यहाँ भी नाम बताया आपको, मैकॉल, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है मैकॉल, आप याद, हालांकि ऐसे आगे आएगा। तो ये जो हथनौरा विलेज है ना, वो लगभग यहाँ कहीं पर है, ठीक है, और यहाँ से यानी कि भारत के बीचों बीच में उनको एक नर्मदा मैन उन्होंने नाम दिया, जैसे शिवा पितेकस और रामा पितेकस नाम दिया गया, उसी तरीके से नर्मदा मैन भी एक नाम दिया गया, जो नर्मदा के वैली से निकला है। और इस बेसिस पे कहा जा सकता है कि ये एरिया जो है, नर्मदा का एरिया जो है, वो भारत का सबसे पुराना कब रिहैबिलिटेड एरिया हो सकता है भारत का। हालांकि कुछ एविडेंस इधर साउथ से भी, यहाँ इस एरिया से जो गोदावरी का बेसिन है हमारा, इस एरिया से भी अच्छे खासा मात्रा में पुराने चीज़ मिले। देखिए क्या होता है कि अभी जहाँ तक पहुँचे हैं खुदाई करते हुए या रिसर्च करते हुए, तो वहाँ तक हमने बात कर दी। अब जब फिर आगे अभी और लोग भी करेंगे, और हो सकता है कि आर्कियोलॉजी में और भी डेवलपमेंट आए, नई नई टेक्निक आ जाएगी, वो और नीचे अच्छे से डिग करके खुदाई करके जा सके और रिसोर्सेस लेकर के आ सके, तो हिस्ट्री और पहले चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ तक जो है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टोनेज का क्लासिफिकेशन जो करते हैं यहाँ पे, इसमें भी देखिए, मैन सेटल्ड इन इंडिया लेटर देन अफ्रीका, यानी कि सबसे पहले कहाँ आया, तो अफ्रीका में, ये तो हर कोई जानता है। इवन दो द स्टोन टूल्स इंडस्ट्री लार्जली इवॉल्व इन सिमिलर फैशन, ठीक है। स्टोनेज का क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे करते हैं, टूल मेकिंग ट्रेडिशन के ऊपर में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्योलिथिक, ठीक है। तो इसको हिंदी में आप पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। इस भी पैलियोलिथिक फेज में भी इन्होंने इसको 3 फेज में डिवाइड किया है, लोअर, मिडल और अपर। कहने का मतलब क्या हुआ, हम इधर से इस तरफ की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे लोगों की नीड भरती चली जा रही है, वो आ रहे हैं। अब अगर इस इमेज में आप देखो तो देखो लोग बिल्कुल किस वे में रह रहे हैं, मतलब जंगल उंगल में रह रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही, हमने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा है कि लोग जंगल में रह रहे हैं, आदिवासी जो प्रॉपर आदिवासी जीवन है उस तरीके का वो जी रहे हैं, पत्ते कुछ भी जानवर वगैरह खा रहे हैं। धीरे धीरे उनको जैसे जैसे नीड समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर किसी दिन मान लो कि रेनफॉल हो गई, ये इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, सपोज किसी दिन रेनफॉल हो गई, अब आप जंगल में जा नहीं पा रहे हो, आपको एनिमल्स नहीं मिल रहे हैं, तब आपको लगा कि नहीं यार इसको जमा करना चाहिए, गैदरिंग करना चाहिए, तो फिर हंटिंग और गैदरिंग शुरू हुई। तो जब गैदरिंग करेंगे तो फिर उसको खाएंगे कैसे, तो टूल्स वगैरह का डिस्कवरी हुआ। टूल्स का क्या, अब स्टोन जो है उसको ही ये कैसे भी क्रश करके या थोड़ा बहुत क्लीन करके जो भी करके, या ऐसे नेचुरली, ऐसा भी नहीं है कि जो टूल से सब डेवलप्ड है, कुछ ऐसे नेचुरली आप भी जब रोड पे चलोगे या कभी चलोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे नेचुरल स्टोन्स मिल जाएंगे जिनमें थोड़ा बहुत एज होता है ना, हल्की सी धार होती है, तो वो उसको शुरू में एकत्रित करना शुरू करे, फिर देखे कि इस तरीके के धार और बनाया जा सकता है, तो उन्होंने वैसे किया। हो सकता है उसी दौरान, उस तरह से धार बनाने के दौरान कभी चिंगारी निकल आई हो, तो उन्होंने जलाना भी सीख लिया हो, जलाना सीख लिया तो इन्होंने खाना पकाना सीख लिया, जैसे पकाना सीख लिया इन्होंने और गैदरिंग करनी शुरू की, फिर धीरे धीरे मान लो कुछ एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे फिर जानवर ख़त्म होते चले गए, धीरे धीरे तो इनको लगा कि नहीं अब जानवरों पे नहीं तो फल की तरफ इन पे भी डिपेंडेंसी बनानी पड़ेगी, तो जब फल इनको समझ में आया कि हाँ भाई फल भी खाया जा सकता है या इन सब चीज़ों को भी मांस की जगह पर सप्लीमेंट किया जा सकता है, तो इन्होंने धीरे धीरे उस चीज़ की खोज करी कि कहाँ कहाँ फल ऐसे मिल सकते हैं, हर फल को धीरे धीरे एरिया में इन्होंने एकुमुलेट किया। इस तरीके से धीरे धीरे सेटलमेंट शुरू हुआ, शुरुआती तौर पर तो नोमैडिक है, कोई यहाँ है फिर वहाँ चला गया फिर आगे बढ़ गया, इस तरीके का, ठीक है। तो ये भी फेज बाय फेज जब हम देखेंगे तो पैलियोलिथिक में भी 3 आएंगे, लोअर पैलियोलिथिक, मीडियर, तो ये एक एक करके थोड़ा बहुत इनके बारे में देख लेंगे। देखो ये थोड़ा सा बोरिंग होता है क्योंकि ना दिमाग में बैठता नहीं, किसी के नहीं बैठता, हमारे भी उतने अच्छे से नहीं बैठता, और नहीं बैठता है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पेपर में एकदम बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं पूछ देते हैं कि ये कब से जुड़ा होता है नहीं जुड़ा होता, ठीक है। पेपर में जो चीज़ पूछते हैं उसको तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे ये क्या कह, देखो हमने भी क्या बोला कि स्टोन जब है उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसको भी वो लोग सीख रहे हैं एज़ पर नीड, ज़रूरत के अनुसार। तो यहाँ पे जो लोअर पैलियोलिथिक का फेज है उसमें देखो कौन कौन से आपको टूल्स मिलते हैं, हैंड एक्सेस है,
क्लीवर्स है, चॉपर्स है, चॉपिंग टूल्स है ना, काटने उठने के लिए वो सब चीज़ें 1,00,000 साल पहले करीब ऐसा, ठीक है। अब आप सोचोगे क्या 1,00,000 साल पहले कैसे बताया जा सकता है, तो इनकी कार्बन डेटिंग की जाती है ना, कार्बन डेटिंग की जाती है, उसके थ्रू जो कार्बन का कंटेंट बचा होता है उसके मार्फत बोला जाता है कि हाँ इसमें ये इतना साल पुराना है या उससे भी पहले का हो सकता है। कभी भी हिस्ट्री में इस तरीके का बिल्कुल एग्जैक्ट, जब तक रिटेन हिस्ट्री नहीं हो है ना, तब तक इन सब चीज़ों में एग्जैक्ट नहीं, तो ये सैगो इस तरीके से एक रेलेवेंस दे देते हैं, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट हमारे पास में सबूत नहीं है, तो पेपर में भी नहीं पूछते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि पेपर में भी नहीं पूछ देंगे आपसे कि एग्जैक्ट बताओ क्या होगा, ठीक है। तो आप देखो पहले ये चॉपिंग टूल्स वगैरह डेवलप हुआ, आप देखो ये है इस तरीके का है ना, पॉइंटेड है ये, तो इनसे हो सकता है मांस वगैरह काटने में, आप देखो निकालने में ये सब चीज़ फ़ायदा आता हो। फिर धीरे धीरे फिर देखो इन्होंने टूल बेस्ड ऑन फ्लेक इंडस्ट्रीज, ये भी मतलब कि स्टोन का टाइप भी चेंज हो गया, प्लस आप देखो कि धार वगैरह भी चेंज हो गई होगी 40,000 साल पहले, फिर स्क्रैपर्स वगैरह, तो धीरे धीरे शार्प पॉइंटेड की तरफ में ये बढ़ते चलेगा। और यही सब टूल्स है, कॉमन टूल यूज हो रहे हैं और इनमें थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट एज पर नीड होता जा रहा है। कोई भी 100 लोग है तो उसमें से कोई एक थोड़ा सा होशियार है जो सोच रहा होगा इस तरीके से काम किया जाए, ठीक है। तो अगेन आपसे पेपर में ये चीज़ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यही आपसे पूछेंगे कि पैलियोलिथिक फेज में क्या है, तो स्टोन टूल्स की डेवलपमेंट हुई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, स्टोन टूल्स की डेवलपमेंट हुई। पेपर में आपसे हो सकता है कि ऐसे बस सिंपल एक आध क्वेश्चन आ जाए, या आपसे कभी इंटरव्यू वगैरह बैठे तो आप बता पाओ कि भाई ये क्या है, तो आप बता पाओगे भाई वो स्टोन एज है जहाँ पे टूल्स को इवॉल्व होते हमने देखा, ठीक है। अब आपको यहाँ देखोगे तो ये बताया गया है कि किस तरीके से वो करते थे, मतलब ये एक आकलन है, लेकिन ज़्यादातर कोई भी करेगा तो ऐसा ही करेगा, ठीक है। लार्ज पीस ऑफ रॉक लिया, उसको फिर तोड़ते गए, यानी कि एक कह सकते हो कि समझदारी आती चली गई कि इस तरीके से करने पे हम अपना जीवन चला सकते हैं, केवल सर्वाइवल के लिए सब चीज़, ठीक है। अब देखो इसको फ्लेक कहा जाता है, जो इस तरीके के पॉइंटेड होते हैं, इस तरीके को ये लोग ब्यूरिन कहते हैं। अगेन इसमें हमको जा करके बहुत फ़ायदा और बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको कुछ ड्रॉ करने तो मिलता नहीं, ठीक है। चलो फिर आता है मेसोलिथिक वाले फेज में। अब आप देखो कि क्या हो रहा है, जैसे आप यहाँ ऑब्जर्व करो कि जब ये टूल्स वगैरह को भी डेवलप कर रहे हैं, मतलब इसकी क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, टूल्स वगैरह की जो क्वालिटी है उसको भी बढ़ा रहे हैं, तो आगे चल करके इसमें तो और सुधार होना है, ठीक है। रिडक्शन इन साइज ऑफ वेल स्टेबलाइज टूल्स, और टूल्स छोटे होते चले गए, छोटे टूल्स होने से क्या फ़ायदा है, आप आसानी से कैरी कर पाओगे, है ना, वो चीज़ है। ट्रांजिशन फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक, न्यूलिथिक मतलब नौ पाषाण, कहने का मतलब क्या, मॉडर्न, आज का एरा भी आप थोड़ा बहुत इससे रिलेट कर सकते हो, और पैलियोलिथिक बिल्कुल पुराना, तो ये बीच का है। जो ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादातर हुआ वो इसी फेज में हो रहा है, 9000 और 8000 ईसा पूर्व के आसपास में ये शुरू हुआ, और 4000 ईसा पूर्व तक ये चीज़ चला, यानी कि 4000 साल का ये फेज है। मतलब कि कहो कि 1,00,000 साल यहाँ जब हम बात करेंगे, सॉरी यहाँ है 1,00,000 से हम 1,00,000 से 10,000 आए हम लोग, तो ये पूरा पैलियोलिथिक फेज कहलाया, और जब 10,000 से लेकर के 4,000 तक आए तो ये मेसोलिथिक का फेज कहलाया। और मेजर डेवलपमेंट यानी कि जो नॉलेज हमने गैदर किया उसको ही हमने फाइन ट्यून किया मेसोलिथिक के फेज में, ठीक है। और उसके बाद न्यूलिथिक का फेज आया जो नव पाषाण काल है, उसमें हमने मतलब ये हंटिंग गैदरिंग छोड़ दी और हम सेटल्ड लाइफ की तरफ आ गए। तो ये एक मास का क्वेश्चन बन सकता है कि जो सेटल्ड लाइफ है, सेटलमेंट वगैरह है, एक जगह पर स्थिर होना, गांव बसाना, ये सब चीज़ कब शुरू हुआ, तो न्यूलिथिक फेज में शुरू हुआ, ठीक है। जो सबसे पुराना भारत में न्यूलिथिक साइट अगर आप कहो कि कह सकते हो जहाँ पर सेटलमेंट का कुछ ना कुछ हमको वो मिला है, सबूत मिले हैं, वो मेहरगढ़ है। अब है तो ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में, लेकिन ये पाकिस्तान को तो बने हुए 50 साल ही हुए हैं, 70 साल को, लेकिन पहले तो ये पूरा पूरा भारत का ही हिस्सा था, तो हम इसको भी मेहरगढ़ को भी हमारा ही हिस्सा मानते हैं जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेहरगढ़ जो है ये लगभग 7,000 साल पहले, यानी कि ये मेसोलिथिक ही है, जब हम 7,000 की बात करें मेसोलिथिक ही है, यानी कि लोग धीरे धीरे यहाँ पर रहना शुरू कर दिए थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो लोग सेटल हो गए, देखो ये ना बिल्कुल आपको ये जो सिंध नदी है, सिंध के किनारे है, तो इनको पानी भी मिल गया,
इन्होंने एग्रीकल्चर वगैरह ये सब भी थोड़ा बहुत सीख लिया और यहाँ पे ये सेटल होकर के एग्रीकल्चर करना शुरू किए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसके बारे में जितना पढ़ें वो कम होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो सबूत मिलते हैं हमको 5000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 यानी कि 4000 साल तक लगभग वहाँ पे सेटलमेंट रहा, आज भी है ऐसा नहीं है, लेकिन जब उस फेज की बात करते हैं हिस्ट्री की उस वक्त तक यहाँ पर है। ठीक है, और ये जाहिर सी बात ओवरलैप तो करा मैं सुनी थी साथ में, देखो आप क्रॉप कल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री दोनों ही हो रही है, क्रॉप कल्चर भी आ रहा है, लोग अनाज भी उगा रहे हैं, उनको अनाज उगाना भी समझ में आ गया, ज्वार बाजरा चावल वगैरह जो भी इस एरिया में, हालांकि चावल का सबसे पुराना अवशेष यहाँ से मिलता है, लेकिन ज्वार बाजरा उस एरिया में जो और भी उस एरिया में जो होती है वो भी वहाँ से पाए गए और सेटल लाइफ यहाँ से शुरू हुई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, इसलिए मेरा थोड़ा सा फोकस इस पर था। ठीक है, चलिए क्रॉप कल्टिवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री जो हमने अभी मेहरगढ़ के बारे में बात करे थे, अगर आप विश्व के पैमाने में देखें वर्ल्ड कंटेक्स में देखें तो कहा जाता है कि 9000 साल पहले ये चीज़ शुरू हुआ और जब इंडियन कंटेक्स में हम आए तो ये 7000 साल शुरू हुआ, लेकिन हमारे बहुत से हिस्टोरियन का मामला मानना है कि ये 7000 से भी बहुत पहले शुरू हुआ, हम वहाँ तक अभी रिसर्च करके पहुँचे नहीं हैं, जैसे जैसे हम चलते चले जाएंगे हमको और मिलेंगे। जो गैंगेटिक जो वैली है हमारा उत्तर प्रदेश का पूर्वी और भारत हमारा बिहार का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर भी रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा पुराने अवशेष मिले हैं, वहाँ पर रिसर्च और भी चल रहा है और शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में जब प्रॉपर सबूत निकल के आ जाए तो ये मेहरगढ़ से भी पुरानी चीज़ें हो सकती हैं, हालांकि आज के हिसाब से मेहरगढ़ को ही हम फुल इम्पोर्टेंस देंगे इस मामले में। ठीक है, मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, ओनली साइट बिलोंग्स टू 7000 BC में, तो सबसे ओल्डेस्ट पाया गया, देखो ऐसा नहीं कि वो खोजा नहीं गया अभी तक तो वहाँ होगा नहीं, वहाँ होगा लेकिन खोजा यहाँ तक अभी गया है। इसके अलावा यानी कि ये वाला जो इंडस वैली का ये वाला इलाका है पुराना, इस एरिया में सेटलमेंट की बात की जाती है। ठीक है, यहाँ पे है, फिर हमने आपको बोला ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है यहाँ भी पुराने लोग सेटल होकर रहे, क्योंकि देखो रहने के लिए मतलब आप खाना भले एक दिन आपको ना मिले लेकिन पानी आपको बराबर चाहिए। ठीक है, और हमारे भारत में तो हजारों लाखों छोटी छोटी नदियाँ हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी नदी, हमने भी गोदावरी की बात करी, ठीक है, गोदावरी के पास में मिलेंगे, नीचे आपको कृष्णा नदी हो गई है ना, इन सब के आसपास में भी आपको कृष्णा के आसपास तो बहुत ज़्यादा पुराने अवशेष मिले हैं हमको। फिर चाइना और इनके इलाके में ये जो येलो रिवर, यांगसे, शांगबो रिवर है ना, इन सब के भी आसपास में, मतलब वर्ल्ड के कंसेप्ट में ऐसा ही कहा जाता है कि चाइना में ही सबसे पुराना ऐसा देखने को मिलता है कि सेटलमेंट यहाँ पर हुआ था। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है इस एरिया में और वाटर रिचफुल एरिया है, पानी से भरा पड़ा एरिया है, फिर इस एरिया में भी यहाँ पे अर्ली सेटलमेंट दिखता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगेन ये उतना पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम तो बस इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया में मेहरगढ़, तो फिर हम लोग मेहरगढ़ के बारे में डिस्कस कर लेते कि ये मिला क्या है। देखो ये मिला है मेहरगढ़ से, जब मेहरगढ़ की खुदाई और उनका एक्सकवेशन चला ना, वहाँ से हमको ये सब चीज़ें मिली, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना ये मेहरगढ़ से वहाँ से खुदाई में मिला है ये चीज़। और मेहरगढ़ क्योंकि देखो सिंधु घाटी, अभी हमने क्या दिखाया कि ये वाला जो पूरा एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में इंडस वैली भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी सबसे पुराना है और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी कोरिलेट करता है, मतलब जैसे यहाँ पे आप कहो कि दोनों के बीच का ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर भी, मेहरगढ़ और इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कहा जाता है इधर के ही लोग धीरे 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 स्प्रेड हो रहे हैं, जब देखा कि भाई यहाँ पे भी कुछ दिक्कत है तो धीरे धीरे फैलते चलो। ठीक है, तो यहाँ पे लाइंग इन दी कच्ची प्लेन ऑफ बलूचिस्तान, मेहरगढ़ इज ए इम्पॉर्टेंट न्योलिथिक साइट डेट वॉज फाउंडेड अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 7000 BC। देखो एक मास का क्वेश्चन तो यहाँ रखा पड़ा, SSC का पेपर हो, रेलवेज का पेपर हो, इवन आप PSC के पेपर में देख लो, एक मास का सवाल यहाँ से निकल सकता है कि मेहरगढ़ जो है वो कौन से प्लेन पे है, कच्ची प्लेन। ठीक है, कौन से एरिया में, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का बलूचिस्तान, सिंध बलूचिस्तान का एरिया हो गया। ठीक है, और ये न्योलिथिक साइट है, तो देखो तीनों में से एक सवाल दे सकता है, मिला करके आपको दे सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। ये बोलन पास के करीब में है। ठीक है, बोलन पास जो है वो यहाँ कहीं इधर से आप आगे निकल जाओगे। ठीक है, चलो इज वन ऑफ द साउथ एशियाज अर्लीस्ट साइट वेयर द एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग वेयर फाउंड, फार्मिंग एंड हर्डिंग बोथ। ठीक है, यानी कि पशुपालक भी हैं साथ साथ में खेती भी करते हैं। ठीक है,
खेती करते हैं, रीजन क्या है कि आपको बगल में सिंधु नदी है, पानी पर्याप्त मात्रा में और चरवाहों के लिए भी अच्छा है, नदी है तो फिर घास फूस भी है, वो अपने जानवर को भी पाल रहे हैं। ठीक है, आप देखो इस तरीके का खिलौना भी वहाँ से मिला है और इस तरीके का एक यहाँ पे पॉटरी भी आपको देखने को मिलेगी। एन आर्कियोलॉजिकल टीम अंडर द डायरेक्शन ऑफ फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट जीन फ्रांसिस जैरिज एंड कैथरीन जैरिज, यानी कि जब वो पाकिस्तान का हिस्सा था प्रॉपर, तो इन जैरिज ने, यानी याद रखना ये जैरिज नाम पूछते हैं कि भाई जैरिज का नाम कौन से स्थल से जोड़ा जा सकता है, तो ये मेहरगढ़ से जुड़ा सकता है। इन्होंने यहाँ का एक्सकवेशन किया पूरा। आपने यूट्यूब पर जाना और आप मेहरगढ़ का ना आप एरियल मैपिंग देखना। आप यूट्यूब पे कुछ मैंने देखा था, कुछ लोगों ने वो ड्रोन से वीडियो बनाया था, तो देखना आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत पुराना बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ पे भी वृक्ष वगैरह मिलते हैं और इस तरीके का घर ये बना करके, दो मंजिला घर है याद रखना, ये इस तरीके का वहाँ बहुत सारे दो मंजिला घर भी मिले हैं, इस तरीके के इनका रहने का ठिकाना हुआ करता था। स्मॉल विलेज ऑन द नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ मेहरगढ़ डेटेड बैक 7000। ठीक है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए क्योंकि हमको मेहरगढ़ ही देखना है। देयर आर सिक्स माउंड ऑफ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल फाउंड विद इन द कॉम्प्लेक्स अराउंड 32000। आप समझ रहे हो 32000 अवशेष मिले हैं, कितने लोग अच्छे खासे, कम से कम 5-10000 तो एटलीस्ट रहते ही होंगे, छोटे छोटे विलेजेस बना के। पूरा समतल एरिया है, जैसे गंगा का प्लेन का एरिया होता है उसी तरीके से इंडस का ही प्लेन का एरिया है। ठीक है, चलो। न्यूलिथिक पीपल एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टेड मेकिंग पॉटरीज ए सिरामिक एंड सिरामिक। देखो सिरामिक का कहने का मतलब क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर्ड वे में है। ठीक है, मतलब कुछ वो व्हील का इस्तेमाल किया गया है। ए सिरामिक का मतलब उसका बस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर सामने होकर के नहीं आया है। जैसे आप कैसे पॉटरी बनाते हो तो मिट्टी को भी लेकर के भी आप हाथ से अगर बना दो तो रखने का कुछ ना कुछ वो बन ही जाएगा उस तरीके का। सिरेमिक अगर आप उसको जो हमारे कुम्हार होते हैं उनकी जो चक्री होती है उस पर बनाया जाए अच्छे से एकदम शेप में दिया जाए तो उसको सिरेमिक बोला जाएगा एट सर्टेन न्यूलिथिक लेवल। यानी कि जो पॉटरी है, आपसे जब पूछा जाएगा कि भाई पॉटरी जो है वो कौन से फेज में डेवलप हुई, वो न्यूलिथिक। अब पॉटरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पेपर के लिए, पॉटरी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉटरी। ठीक है, सच लेवल्स आर टर्म्ड चैल्कोलिथिक लेवल्स। चैल्कोलिथिक ये अभी बहुत 2-3 बार आएगा तो वहीं पे इसको डिस्कस करेंगे, समा कंटेम्परेरी टू हड़प्पा। तो देखो क्या हो रहा है ना कि इस फेज में डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा चीज़ इंडस वैली का है और कौन सा चीज़ उसके पहले का है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है और उसके पहले का है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है हिस्ट्री को इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के। बहुत से अच्छे नॉन हिस्टोरियन का मानना है कि हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो पढ़ रहे हैं वो उससे कई ज़्यादा पुराना है, उसमें कई ज़्यादा मात्रा में डेप्थ है जो अभी सामने आना बाकी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है और इसका एक बहुत रियल कारण है जो कि हम नहीं समझ पाए। रीज़न क्या है कि अगर वो भारत का हिस्सा आज भी होता तो हमारे अच्छे अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट उसको जाते, वहाँ रिसर्च करके आते, चीज़ों को निकालते, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान है जो कि एक इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक कंट्री है, वो इस तरीके की चीज़ों को वहाँ अब रिसर्च होने नहीं देता है क्योंकि उनको अपने मन में एक तरीके का डर है कि अगर और खुदाई हुई और कुछ भी मान लो ऐसा अवशेष मिलता है जो कहीं ना कहीं आज के हिंदू कल्चर से, जो भारत का एक मेजर कल्चर है, इनसे मिलता है तो बड़ा उनके लिए किरकिरी हो जाएगी कि वो एक इस्लामिक देश कहते हैं लेकिन उनके यहाँ आर्कियोलॉजिकली आप कहो कि हिंदू सिम्बॉल्स वगैरह मिल जाते हैं। कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही क्योंकि एक कल्चर एक रिलीजन भी डेवलप होता है, अचानक से क्रिएट नहीं हो जाता है ना, ये कोई ऐसा वो नहीं जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, है ना, लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपर बोला जाता है, तो डेवलप करते हैं फेज बाय फेज दे डेवलप समथिंग। तो उसी तरीके से रिलीजन भी डेवलप होता है। आपसे पेपर में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जब आप कुछ लिखते हो तो आपसे पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई हम उसको क्या कितना सही मानते हैं और कितना गलत मानते हैं। तो आप ये ज़रूर लिखेंगे कि वह अगर पाकिस्तान में ना रह करके अगर वो भारत में रहता तो रिसर्च काफ़ी होता। और ये चीज़ हमको देखने को मिला है कि जो भारत की साइट है जैसे धौलावीरा है, लोथल है ना, राखीगढ़ी है और भी इसके अलावा साइट्स हैं, इन पर बहुत अच्छा काम हुआ है, इन पर बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है, बहुत सी चीज़ें सामने आई है। इससे भी ज़्यादा चीज़ें जो है पाकिस्तान के हिस्से में चली गई, वहाँ पर रिसर्च होता तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर आती, क्योंकि ये सब भी है जिन साइट की हमने बात करी, ये भी बाद की साइट्स हैं, शुरुआत की साइट नहीं, शुरुआत की जो इंडस वैली की साइट्स हैं
वो तो सिंधु घाटी के, सिंधु नदी के बराबर वाली है। ठीक है, चलो देखते हैं सब आएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बहुत डेप्थ में कवर करेंगे, बहुत फैक्ट के रूप में कवर करेंगे, वहाँ भी चीज़ें आएंगी। ठीक है, देखो चैल्कोलिथिक फेज जो आता है ना, यहाँ जो इसका बेस वर्ड है चैल्कोस यानी कि कॉपर, आप नीचे देखोगे कल्चर यूज मोस्टली स्टोन एंड कॉपर वाइल हरप्पन यूज ब्रोंज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन ऑन लार्ज स्केल IVC कॉल्ड ब्रोंजेस। ठीक है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। देखो कहता क्या कह रहा है यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमको टूल्स मिले हैं वो मिले हैं ब्रोंज के। ब्रोंज जो है वो कॉपर और टिन का एलॉय है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने कॉपर और टिन को, है ना, कॉपर और टिन ही लिख देते हैं। टिन एसन लिखना, ऐसा एसन लिख सकते हैं, इनका साइंटिफिक नेम यही है, केमिकल नेम। लेकिन आप कॉपर और टिन को ये जोड़ना सीख गए, इन्होंने मिलाना सीख गया कि समझ गए ये कि कॉपर में अगर टिन को मिला दिया जाएगा तो मजबूती ज़्यादा आ जाएगी, रस्टिंग नहीं होगी, अब वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, शायद मजबूती ज़्यादा आएगी, इसलिए इन्होंने मिलाया। लेकिन इसके पहले अगर हम आए मेहरगढ़ वाली सभ्यता में तो वहाँ पर हो सकता है कि इनको केवल कॉपर के चीज़ें मिली। ठीक है, तो अगेन हमने क्या बोला, डेवलपमेंट। तो यही तो एक डेवलपमेंट है कि भाई आपको लगा नहीं कॉपर उतने इफेक्टिव नहीं हो रहा है, तो आप कॉपर को गला करके आप कॉपर में आपने टिन मिला दिया तो आपको कमी नज़र आई, तो यानी कि डेवलपमेंट हुआ। इस बेसिस पे कहा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप होकर के आया है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले से एग्जिस्ट नहीं करा, इन्हीं सब चीज़ों से धीरे 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 वो एक डेवलप होकर के आया है। ठीक है, यानी कि यही लोग आगे चल करके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहलाने लगे। ठीक है, चैल्कोलिथिक एज एट मैनी प्लेसेस कंटिन्यू टिल 700 BC, यानी कि इस तरीके का मिश्रण जो है वो कुछ हिस्से में नहीं हुआ और वही चीज़ वो कंटिन्यू करता है 700 BC से। पेपर के लिए बहुत खास रिलेवेंट नहीं, लेकिन ये वाला जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, अराउंड 200 BC यूज ऑफ आयरन बिगन इन चैल्कोलिथिक लेवल इटसेल्फ। अब देखो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि आयरन के इस्तेमाल कब से शुरू हुआ, 1200 BC में। लेकिन याद रखिएगा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया में आपको कहीं भी आयरन नहीं मिलता। ठीक है, इसका कारण है, आपको मैप पर आते हैं देखते हैं। देखो ये आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया रहा पूरा, यहाँ ये इंडस नदी है। ठीक है, और ये जो पूरा एरिया है ये वाला, लगभग आप जब सिंधु घाटी पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये जो पूरा एरिया है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया है, एक्सपेंडेड टिल हेयर, है ना, इवन टिल हेयर दायमाबाद वगैरह, और ये वाला पूरा एरिया आप और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इस एरिया में आपको कॉपर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, कॉपर मिल जा रहा है, अदर छोटे छोटे मिनरल्स मिल जा रहे हैं, लेकिन इस एरिया में आयरन का टूल्स शुरुआत के फेज में कभी नहीं मिला। ठीक है, शुरुआत के फेज में, यही कारण ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे वेद में भी सबसे पुराना वेद है जो ऋग वेद है, इसमें भी आयरन का कहीं जिक्र नहीं आता, लोहा का जिक्र नहीं आता। ठीक है, जब हम बात करेंगे वेद के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1500 BC के आसपास, 1500 ईसा पूर्व, आप ईसा पूर्व समझ रहे हो ना, आज हम जैसे 2021 में हैं तो 2021 से पीछे गए, तो ये 2021 साल से और 1500 पीछे गए, बिफोर क्राइस्ट, ये क्राइस्ट के जन्म का साल है तो इससे पीछे, यानी कि आज से 3500 साल पहले, आज से ऐसा है ना, आज से 3500 साल पहले कहा जाता है कि ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई, है ना, बोलने के ही रूप में हुई लेकिन उत्पत्ति तो हुई, उसमें कहीं भी आयरन का जिक्र नहीं होता था। ठीक है, आयरन का जिक्र इसलिए नहीं होता था कि आयरन उस एरिया में पाया नहीं जाता था। ठीक है, आयरन, जो भी आयरन पाया जाएगा वो इस एरिया में ही पाया जाएगा जो कि लगभग छोटा नागपुर प्लेटू, आप जानते होंगे ये एरिया छोटा नागपुर प्लेटू का हिस्सा है, और यहाँ पे छोटा नागपुर के एरिया में आप जब आप पढ़ोगे, आप, मैं आपको देता हूँ एक टास्क, आप इनके बारे में पढ़ना, आप असुर ट्राइब के बारे में पढ़ना। ठीक है, ये असुर ट्राइब जो है ये सबसे पुरानी ट्राइब है ऐसे, ठीक है, जो कि आयरन को स्मेल्ट करना जानती थी, और हेमाटाइट और मैग्नेटाइट का जो भी ओर है उससे आयरन को कैसे निकालना है, उसको कैसे टूल्स में बनाना है वो उसको जानती थी। यानी कि एक पैरेलल कल्चर इस एरिया में चल रहा है इनसे,
और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है इनिशियल फेज में, यानी कि 1200 साल पहले तक नहीं है, यहाँ पर हो रहा है। और आप जब देखोगे 1500 साल पहले तक ऋग्वेद लिखा गया है तो उसमें आयरन का कोई जिक्र नहीं आता, कैसे जिक्र आएगा, उनको तो पता ही नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, ना टेलीविज़न है, ना फ़ोन कॉल्स है, ना इतना फ्रीक्वेंट मूवमेंट है, ना रोड्स हैं कि भैया हम जा कर के देखें, कुछ तो नहीं पता। ये अपनी ज़िंदगी में मस्त है, ये अपनी ज़िंदगी के मस्त है, ठीक है। धीरे 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 ये जो कला है, ये जो आर्ट है, ये सब लोगों के बीच में जाएगी और ये लोग भी इनके चीज़ों को यूज करना शुरू करेंगे और ये लोग भी इनके चीज़ों को यूज करना शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि आगे चल कर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और इवन हम ही लोग इस स्लाइड में देखेंगे, इस लेक्चर में देखेंगे कि थोड़ा सा रिलेशनशिप है लोगों के बीच में, वो कैसे है वो हम अभी देखेंगे आके आपसे। लेकिन आपका टास्क है कि आप असुर ट्राइब के बारे में ज़रूर देखना। जब भी असुर का नाम सुनते हैं हमारे मन में दैत्य राक्षस ये चीज़ आती है, इसका भी एक कारण है, हम लोग आगे जब क्लास कैरी करेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है आपको देखना कि ये जो है ना, जब आप महाभारत का बात करते हो, महाभारत की जब बात की जाती है ना, तो महाभारत के फेज में भी, अब इसमें कितनी रियलिटी है तो अलग बात है, लेकिन महाभारत का फेज जो है वो कहीं ना कहीं वो कहा जाता है कि वो इस फेज के बराबर का है, वैदिक एरा के आसपास का ये फेज है। पर महाभारत में आयरन का जिक्र आता है, ठीक है, आयरन का जिक्र महाभारत में आता है, ठीक है। क्योंकि आप जब देखोगे जो कर्ण है ना, कर्ण जो है वो इस एरिया का राजा हुआ करता था, और उसके जो लड़ने वाले थे उसके सैनिकों में, उनके पास में अच्छे खासे वीपन्स हुआ करते थे, बहुत वीपन्स हुआ करते थे, वो सारे आयरन के वीपन हुआ करते थे, ठीक है। और जो शिशुनाग और ये सब जो लोग हैं ना, जरासंध, शिशुनाग, ये सब जो लोग हैं, ये भी इस एरिया में राज करते थे, इस एरिया में रूल करते थे, ठीक है। मगध नरेश आप जानते होंगे इस सब के बहुत, तो शिशुनाग जो है वो नागवंश का ऐसा कहा जाता है, उसके पास में भी काफ़ी आयरन के विपन हुआ, इसलिए उनको हराना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। जरासंध के बारे में आप जानते होंगे, उसको हराना बहुत मुश्किल हुआ करता था, वो सब इस एरिया के रूलर हुआ करते थे। इनके पास में आयरन भी है और आयरन टूल बनाने वाले लोग भी हैं, नागा पीपल भी, जो नागवंशी पीपल हैं जिनके ऊपर में छोटा नागपुर का नाम पड़ा है ना, वो लोग भी ऐसे टूल्स बनाते थे। यही कारण है कि पूरे महाभारत में इन लोगों से लोगों को काफ़ी डर रहा है ना। और आप देखोगे कि महाभारत में काफ़ी ज़्यादा इस तरीके का ट्रिक्स दिखाया गया है कि जो भी कर्ण है उसको भी मतलब एक समझो कि आप देख ही रहे हो कि उसको किस तरीके से उसको वीक बनाया गया, शिशुनाग वगैरह किस तरह से मारा गया, इस तरीके से जरासंध का भी जो डेथ हुआ। तो ये महाभारत हमको सिखाता है कि ये एरिया जो है ना ये एरिया स्ट्रांग हुआ करता था, और इसके स्ट्रांग होने का एकमात्र कारण है कि इनके पास में आयरन हुआ करता था, ठीक है। और ये एरिया जो महाभारत में जो मेजर एरिया बताया गया है, ठीक है, इस एरिया में आपने हस्तिनापुर वगैरह, कुरुक्षेत्र वगैरह सब यहीं पर है इस तरह से। तो इस एरिया में आप देखोगे कि कॉपर तो मिलते हैं, कॉपर के टूल्स मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता, ये ज़्यादा पथरीला इलाका भी नहीं है, ठीक है। तो यही कारण है कि आप अगर कॉपर और आयरन का मुकाबला करोगे तो भाई आप कॉपर उसके सामने वीक पड़ जाती है, प्लस बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉपर भी नहीं पड़ी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन है, ठीक है। तो देखेंगे आप महाभारत वगैरह जब आप देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे, ये सब चीज़ें हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए तो हम लोग यहाँ थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप हिस्ट्री को आप पढ़ते ना तो आपको बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ना होगा, समझना होगा चीज़ों को। आप पढ़ के निकल जाओ, देखो पता है जब आप ऐसे पढ़ते हो ना कि रट लिया पूरा, देख लिया फैक्ट याद के लिए, वो दिमाग में कभी नहीं बैठता, आप कितना भी कर लो नहीं बैठता। लेकिन जब समझने लगो कि भाई आयरन क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, आयरन का क्या रोल है हमारे इतिहास में, देखोगे आपका दिमाग बहुत अच्छे से बैठ जाएगा, पेपर में गलती नहीं होगी कभी भी, ठीक है। 800 BC या डिस्टिंक्ट आयरन एज केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, मतलब क्या, अगेन 400 साल और बीता और चीज़ें सीख गए, और नए टूल्स बनने लगे, और नए वीपन बनने लगे, और उसमें हो सकता है स्मेल्टिंग का टेक्निक बढ़ता चला गया, और फाइन यहाँ पे मेटल निकालना शुरू कर दिया गया, ठीक है। अब फ्रॉम मेसोलिथिक कल्चर ऑनवर्ड ऑल द कल्चर टाइप को एग्जिस्टेड एंड इंटरेक्टेड विद ईच अदर, हमने बोला ना कि इंट्रैक्शन है,
लेकिन उसका मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे वेस्ट का जो है वो आयरन वहाँ पे टूल्स भर जाएंगे या पूरे ईस्ट में कॉपर के टूल्स भर जाएंगे, नहीं, दोनों का अपना इम्पोर्टेंस आएगा। वेपन्स के रूप में आयरन आ जाएगा, सब हर जगह पर भर जाएगा, आयरन के वेपन हर जगह पर इम्पोर्ट होना शुरू होगा इस एरिया से उधर। भारत ही है लेकिन अलग अलग हिस्से तो है, इम्पोर्ट ही कहा जाएगा उसको, इम्पोर्ट होना शुरू हो जाएगा। और कॉपर के टूल हर जगह, कॉपर के खिलौने वगैरह आर्टिफैक्ट्स वो बटने लगेंगे, सर पे मुकुट बनने लगेगा कॉपर का, है ना, जो सोना का आप बोलते हो, नहीं कॉपर के मुकुट बहुत है, जालियाँ बनने लगेगी, थोड़ा वो हल्का रहता है इस तरीके का, जालियाँ बनने लगेगी, मतलब उसको पतला पिरोना बहुत आसान होता है, तो जालियाँ बनने लगेगी, वो बख्तरबंद इस तरीके की चीज़ें वो बनने लगेंगी कॉपर की। तो दोनों का यूज हर जगह पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो, अर्लीस्ट स्टोन आर्टिफैक्ट और टूल्स एसोसिएटेड विद होमिनिड्स आर पेबल्स एंड क्वार्ट्स। ठीक है यार, ये क्या काम का। अब देखो ये साइट जो है ना, रिवात सोन वैली, याद रखना यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं कि सोन वैली कहाँ है, SON, ठीक है, ये याद रखना, ये पाकिस्तान के इस एरिया में मिलता है, नॉर्थ पाकिस्तान में, ठीक है, जिसको हम लोग KPK बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जो है, खैबर का इलाका, इस एरिया में पब्बी हिल्स और सोन वैली इस एरिया में मिलते हैं। काबुल नदी है यहाँ से रीवा, तो इसके एरिया में यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमको ये स्टोन एज के रिसोर्सेस मिलते हैं। ठीक है, हैंड एक्सेस एंड क्लेबर्स आर फाउंड इन सिंध लाबिला डिस्ट्रिक्ट बुक्ती हिल्स और बलूचिस्तान। अगेन ये फैक्ट ग्रुप में याद रखना भाई, पूछ सकते हैं बुक्ती हिल्स वो कहाँ है, तो बलूचिस्तान के एरिया में है, नॉर्थ वेस्ट इंडियन प्लेन्स के माउंटेन में मिलते हैं, एट सरफेस हाइट एंड रिवर ग्रेवल्स इन हिमालयन फोटेल्स वैली फ्रॉम द ब्यास टू ब्रह्मपुत्र, कॉमन है। ठीक है, तो ये एरिया की भी बात की जा रही थी। आप देखो अभी हमने बोला ना कि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पुराने एंशियंट कल्चर के लोग मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक साइट वगैरह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, और ये आपको इंडस वैली के साइट हो गए, ये वाला पूरा, यानी कि ये वाला पूरा अगेन आएगा, डिस्कशन देखेंगे। अच्छा, इन पूरे साइट में जो बहुत मज़ेदार बहुत इंपॉर्टेंट साइट है वो है भीमबेटका हिल्स। ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल्स में आएंगे, इसको इसलिए छोड़ रहे हैं यहाँ पे। केव्स एंड रॉक शेल्टर एविडेंस ऑफ कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन एंड टूल मेकिंग। देखो इस एरिया में, यानी कि ये जो ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये वाला पूरा एरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको केव्स मिलेंगे। रीजन क्या है, पूरा का पूरा प्लेट्यू एरिया है। ठीक है, समतल भूमि नहीं है, केव्स है, छोटे छोटे माउंटेन, जैसे हमने ये बताया ना, यहाँ पे आपको मैकॉल हिल मिल जाएगा। ठीक है, इधर पे आपको चिल्पी माउंटेनेज मिल जाएगा, इधर पे आपको इस एरिया छत्तीसगढ़ में पटका बम पहाड़ी वाले एरिया मिल जाएगा। ठीक है, पटके बम वाला एरिया वो मिल जाएगा, ऐसे ऐसा एरिया एक इधर भी है। इस एरिया में आपको बहुत सारे केव्स मिलेंगे, बहुत सारे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, फ्यू केव्स आर रिच इन रॉक आर्ट, 1,00,000 साल पुराना रॉक आर्ट, यहाँ पे एक आदमगढ़ हिल का नाम दिया गया है। ठीक है, हैंड एक्सेस चॉपिंग टूल वगैरह यहाँ से मिले, बहुत काम का नहीं है, ये है काम का, बहुत डिस्कस करेंगे, पेपर में आ सकता है, आपको पूछा गया आंसर राइटिंग में, आप इसके ऊपर कहानी लिख दो, फुल नंबर मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ साउथ के भी साइट है यहाँ पर, है ना, अतिराम पक्कम है ना, बुडीडा मानु, अब जो भी है चीज़ें, गुड़ियन केव्स वगैरह ये सब नाम दिया गया है, आप याद कर लेना, लिख लेना फैक्ट के रूप में। ठीक है, लोअर पैलीथिक अपर पैलीथिक के भी यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, अंगावाड़ी बगलकोट रिवर घाट प्रवाइन कर्नाटका। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, एकदम आप फैक्ट में याद रखना, कभी कभार हो सकता है किस्मत ख़राब रहा तो पेपर में मिल जाएगा, तो मैप में दिखा दो कि कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है। महादेव पिपरिया वाला जो एरिया है ये नर्मदा में, ठीक है, पावागढ़ जो है गुजरात में, यहाँ भी मिले हैं, चिरकी नियर निवासा इन परवरा महाराष्ट्र में। इम्पॉर्टेंट है साइट से कुछ इम्पॉर्टेंट है याद रखना, अगेन इनके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो हमने आगे कवर किया है, जो कि है भीमबेटका, जो कि आपको एनी हाउ पेपर में 1 मार्क्स हर पेपर में देगा, चाहे वो बैंकिंग के पेपर, सॉरी बैंकिंग क्यों, SSC के पेपर हो, रेलवे के पेपर हो, UPSC का तो पेपर के लिए फेवरेट टॉपिक है ही भीमबेटका। रीजन क्या है, ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है, ठीक है, और सबसे क्लियर है, मतलब अगर ये पूरे जो भारत में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो केव्स मिलते हैं उनमें सबसे पुराना है, सबसे मज़ेदार है और सबसे ज़्यादा फ्रेश है। फ्रेश का मतलब बचा पड़ा है, ठीक है,
बचा पड़ा है, आप देख सकते हो, आप अपनी आँख से जा कर के, आप मेरा क्योंकि पर्सनल विजिट रहा है इस एरिया में, आप अपनी आँख से डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि यहाँ क्या डिफरेंस है। बाकी साइट में क्या है कि थोड़ा वो मतलब नष्ट हो गया एक तरीके से, ठीक है। चलो फैक्ट यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा। दी रॉक शेल्टर लोकेटेड इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश नियर ओबेदुल्लागंज करके लिखते हैं टाउन एंड द इनसाइड दी रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखो एक क्वेश्चन तो ऐसे SSC की आ गया साइट का कि भाई रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और आप कहो कि नर्मदा नदी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, इस एरिया में कहीं लोकेटेड है ना, ये एरिया जो है इस एरिया में ये लोकेटेड है। दी भीमबेट का रॉक शेल्टर एंड आर्कियोलॉजिकल साइट फॉर पैलियोलिथिक एज, यानी कि इन तीनों है ना, हमने नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पीछे जाए तो पैलियोलिथिक, तो पूरा पाषाणकालीन है, ठीक है, मतलब उस समय से है, ये याद रखना। इन यहाँ पर लोग उस वक्त से रहते आए हैं, ठीक है। V.S. वाकानकर इंपॉर्टेंट नाम है, वाकानकर का नाम आपसे पूछ सकते हैं किससे जुड़ा है, तो भीमबेट का। जायरीज का नाम किससे जुड़ा है तो बोलो, कम से कम खुद में ही आप दोहरा लो, जायरीज का जब नाम लेंगे तो मेहरगढ़ से जोड़ेंगे, ठीक है। डिस्कवर दी केव्स इन 1958, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकता है यार, हल्का सा याद रखना, ठीक है। दीज रॉक शेल्टर्स आर डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003, एक नंबर का क्वेश्चन है, लिख लो, आना ही है। द एंटायर रीजन कंप्राइज मोर देन 600 केव, 600 से ज़्यादा केव्स हैं, मतलब कि एक सेटलमेंट यहाँ भी है, बस एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है इस एरिया में। मैंने खुद भी मैं गया हूँ, मैं देख लिया, इस एरिया में एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है क्योंकि नर्मदा से अच्छा खासा दूरी पर है, मतलब ह्यूमन सेटलमेंट के लिए तो रहने को ठीक है, पानी का सोर्सेस काफ़ी है वहाँ पर, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए मुश्किल है वहाँ पर। तो बस वो सिक्योर्ड केव्स है, हल्की सी ऊँचाई पर है, 300 मीटर की ऊँचाई पर है, तो जंगल जानवरों को भी बहुत ज़्यादा खतरा नहीं बना रहता होगा, इसलिए शायद लोगों ने इसको चुना होगा। दिस केव पेंटिंग शो ट्रिमेंडस सिमिलैरिटी टू दी ओरिजिनल पेंटिंग। अच्छा यहाँ ये याद रखना ना, यहाँ मेरे को वो अवशेष हड्डी वड्डी नहीं मिले, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे हो सकता है कि 10-20 हज़ार लोग रहते हों, 10-20 हज़ार ज़्यादा हो गए, 4-5 हज़ार लोग कम से कम तो रहते ही होंगे, ठीक है, और वो भी कल्चरली थोड़े डेवलप्ड। तो इस एरिया में, ये भीमबेट का एरिया में मतलब बहुत सी चीज़ें मिली हैं, लेकिन वो अब ये हड्डियाँ वगैरह ऐसा नहीं कि कोई मर गया हो तो उसके अवशेष मिले, ऐसा नहीं मिला। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर वो मर जाते होंगे तो उनको कहीं दूर आसपास में ले जाकर दफना दिया जाता होगा। वैसे वैसे कुछ छोटे छोटे प्लेसेस मिले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिले, यानी कि यहाँ के लोग जो रहते थे, अब उनकी डेथ हो जाती थी तो क्या होता था, इस पर अच्छा खासा रिसर्च चल रहा है, अगर वो हाथ लग जाता है तो बहुत कुछ समझने को, स्टडी करने में बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत कुछ जान पाएंगे, ठीक है। इनका जो सबसे यूनिक है भीमबेटका का, वो है इनका केव पेंटिंग। अच्छा देखो, अब इस पे एक नाम पे चले हो, बड़े मज़ेदार है, भीमबेटका जो है ना, ये नाम कैसे पड़ा, क्योंकि आप देखो कि केव है, पुराना है, आसपास के लोग जो हैं वो तो लंबे समय से जानते होंगे, क्योंकि धीरे धीरे वहीं के लोग तो आसपास नीचे के एरिया में सेटल होते चले गए। तो जो हमारे महाभारत में एक कैरेक्टर है भीम, ठीक है, और बेटका, तो ऐसा बोलता चला गया भीम बैठक, यानी कि भीम यहाँ पर आकर के कभी बैठा था या रहा था या छुपा था, जैसे उसमें बताया था ना, भीम और पांचों पांडवों को अज्ञातवास हो गया था, तो वो कहीं अलग अलग एरिया में जा कर के सेटल होते थे, कुछ समय बिताते थे, फिर निकल जाते थे, जंगल में रहते थे। तो ऐसा बताया गया कि भीम बेटका भी उसी फेज में कभी पहुँचे हो। अगेन ये कहने वाली बातें हैं, लेकिन नाम तो भीम बेटका इसलिए पड़ा कि भीम बेटका लोगों ने माइथोलॉजी से इसे जोड़ दिया, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। पेपर में नहीं पूछेंगे आपसे, कहीं ऐसे मौखिक पूछा जाए तो आप बता सको, ठीक है। केव पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, बहुत ज़्यादा, हम देखेंगे कौन सी पेंटिंग एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है केव पेंटिंग। ऐसे केव पेंटिंग को हम लोग म्यूरल कहते हैं, ठीक है, म्यूरल्स या फ्रेस्को, याद रखेंगे, पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन कि भाई म्यूरल पेंटिंग क्या होता है, तो केव की इनर वॉल, केव की अंदर वाली जो वॉल है उस पर पेंटिंग को हम लोग म्यूरल पेंटिंग कहते हैं, उसी को हम फ्रेस्को पेंटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ जो पेंटिंग है देखो क्या है, ये 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस केव पेंटिंग शो ट्रिमेंडस सिमिलैरिटी टू दी एबोरिजिनल रॉक पेंटिंग्स ऑफ सवाना रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये मतलब जब मैं पढ़ता हूँ ना हिस्ट्री, तो ये वाला जो जब भी ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है ना, बहुत कुछ हिट कर जाता है, ठीक है। उसके बाद में पिग्मी ऑफ कालाहारी डेजर्ट और लेस्कॉक्स, है ना, इसको लेस्कॉक्स बोलते हैं, इस तरीके से केव पेंटिंग ऑफ
फ्रांस। कहने का मतलब क्या होगा, इन तीनों जगह पर पेंटिंग्स पाई गई। इन तीनों जगह के पेंटिंग में जो ह्यूमन का स्ट्रक्चर दिखाया गया लगभग सेम, जानवरों का स्ट्रक्चर दिखाया गया लगभग सेम, जो चीज़ें इस्तेमाल की गई पेंटिंग के लिए वो भी सेम, जितना डायमेंशन यूज किया गया वो भी सेम, तो बहुत सी चीज़ें सिमिलरिटी है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि हो सकता है कि ये इसके पहले से भी चली आ रही हो, क्योंकि आप जानते हो कि भारत पहले अफ्रीका इधर हुआ करता था और ऑस्ट्रेलिया इधर हुआ करता था, जब हम पूरा सब कुछ एक हुआ करता था, है ना। आप तो इसके बारे में जानते होंगे ना कि फिर बीच में एक बार टूटा और गोंडवाना लैंड, अंकारा लैंड इस तरीके से बना, थोड़ा बहुत पता होगा, हालांकि डिस्कस कर लेंगे आगे। पैंजिया का पार्ट था, फिर पैंजिया दो हिस्से में टूटा, ठीक है, सॉरी नीचे गोंडवाना रहा, फिर ऊपर अंकारा लैंड इस तरीके से बना, फिर ये वाला पार्ट यूरेशिया हुआ, फिर इस हिस्से में तीन, तो इस गोंडवाना में पार्ट थे ना आपको अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, तो ये गोंडवाना लैंड के पार्ट हुआ करते थे, और ये जो अब फ्रांस वगैरह ये सब ऊपर का, तो एक मतलब लाखों करोड़ों साल पहले तो सब एक ही हुआ करता था। तो हो सकता है कि उस समय भी ह्यूमंस रहते हों, अब वो आपस में इंटरेक्ट करते हों, तभी तो वो सब एक चीज़ जान पाते हैं। बहुत सिमिलरिटी है, बहुत सिमिलरिटी है। एक सिमिलरिटी ऐसी है कि जो माओरीज हैं, MAORIS, माओरीज है ना, ये माओरी जो है ऑस्ट्रेलिया की एबोरिजिनल ट्राइब है, इंडिजिनस ट्राइब है, ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। माओरी वहाँ की प्रिमिटिव ट्राइब है, सबसे पुरानी, और ये माओरी जो है इनका जो DNA है, ठीक है, इनके DNA को जो इस एरिया में जो मुंडा आदिवासी रहते हैं ना, मुंडा और संथाल आदिवासी रहते हैं छोटा नागपुर के एरिया में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड और छत्तीसगढ़ के एरिया में जो मुंडा संथाल आदिवासी रहते हैं, उनके DNA से मैच करा गया तो ये मैच करता है। मतलब कि इस एरिया के जो मुंडा ट्राइब है ना, संथाल ट्राइब है, इनका और ऑस्ट्रेलियन माओरीज में पता नहीं अचानक से क्या संबंध है, पर इनके DNA मैच करते हैं। तो फिर ऐसा कहा जा सकता है कि हो सकता है कि ये लोग लगभग इस एरिया में ही रहते हों, फिर ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा यहाँ से अलग होकर के चला गया, तो दोनों अलग हो गए, पर कहीं ना कहीं दोनों में एक ही चीज़ें DNA, आप जानते हो DNA टेक्नोलॉजी है, वो झूठ नहीं बोलती है, ठीक है। चलो आएगा ये टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप सवाल करोगे ना, आप जब कमेंट करोगे, तब उसके ऊपर में भी कुछ आपके डाउट क्लियरिंग सेशन बनाएंगे, तो उन सब में इन सब टॉपिक को उठाया जाएगा, जो कि रिलेवेंस तो रखते हैं इससे, पर डायरेक्ट रिलेवेंस नहीं रखते। दिस पेंटिंग डेमोस्ट्रेट द लाइफ स्टाइल एंड एवरीडे एक्टिविटीज ऑफ आवर एंसेस्टर्स। कौन सी पेंटिंग है देख लेंगे, दो तीन फैक्ट याद रखना है। वेरियस कम्युनिटी एक्टिविटी लाइक बर्थ, ब्यूरियल, देखो ब्यूरियल है पर कहाँ गार्थ ये नहीं दिख रहा हुआ, डांसिंग, रिलीजियस राइट्स, हंटिंग सीन, एनिमल फाइटिंग, ये सब सब चीज़ें हैं। मतलब कि उनके दिनचर्या का जो हिस्सा है, दिनचर्या का, उसको उन्होंने पेंटिंग में दिखाया। बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, अलग अलग पेंटिंग है, बहुत सारी पेंटिंग अब ख़राब भी हो गई है। पिक्चर ऑफ एनिमल लाइक राइनोसरस, टाइगर्स, वाइल्ड बिफलो, बियर्स, एंटलो, अभी लायन भी है और टाइगर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो चीज़ें एक साथ आ ही नहीं सकती, ठीक है। अब कोई आप में से अगर बता दे यार कि मैं इस पर कभी डाउट क्लियरिंग में बात करूँगा, पर मेरे को बताना यार ये दोनों चीज़ें एक साथ क्यों नहीं आ सकती, टाइगर्स और लायन, ठीक है, पर इन्होंने ड्रॉ किया है, तो बहुत मज़ेदार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। कोई आप में से गाइड करना, कमेंट करना, फिर मैं इस पर डिस्कशन लूँगा, बहुत मज़ा आ रहा है डिस्कशन के ऊपर में। इट इज़ क्वाइट अमेजिंग डैट दी कलर्स ऑफ पेंटिंग ऑफ भीम बेटका हैव स्किलफुली अवॉइडेड दी वैगरीज ऑफ टाइम। मतलब ये अभी भी सर्वाइव करी, मतलब 15-20 हज़ार साल पहले तो कम से कम बनी थी, अभी भी ठीक ठाक से हैं। नेचुरल रेड एंड वाइट पिगमेंट्स आर कॉमन कलर्स यूज इन दिस पेंटिंग, ग्रीन एंड येलो कलर्स आर ऑल्सो यूज। द कलर आर कम्बिनेशन ऑफ मैंगनीज, हेमेटाइट, वुडन कोल, सॉफ्ट रेड स्टोन। पेपर के लिए काम का नहीं है, आपके नॉलेज के लिए काम का है। यूज लीनियर फिगर्स ऑफ एनिमल आर ट्रेडमार्क ऑफ पैलियोलिथिक पेंटिंग, तो इसको पैलियोलिथिक पेंटिंग बोला गया है। विद द पैसेज ऑफ टाइम पेंटिंग बिकम स्मॉलर, प्रिसाइज एंड मोर डेलिकेट, ठीक है। द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल पेंटिंग डेट बैक टू 12,000 साल पहले का ही, कम से कम बताते हैं ऐसा, वाइल द मोस्ट लेटेस्ट इज अराउंड 1000 ईयर्स अगो। तो ये तो हो सकता है 1000 ईयर कहना, तो मतलब यह कि नया नया किसी ने बना दिया होगा, तब तो हम हिस्ट्री लिखते भी थे। देयर आर क्या कह रहे हैं कि देयर ओनली 12 केव्स ओपन फॉर विजिटर आउट ऑफ 600 केव्स, 600 से ज़्यादा गुफाएँ हैं। मैं वहाँ गया था ना कॉम्प्लेक्स में, तो मैंने भी देखा
कि आगे का भी बहुत एरिया है जहाँ जाया जा सकता है, पर वो थोड़ा जानवर वगैरह वहाँ पे काफ़ी है क्योंकि वो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में ही है वो, और रिस्की भी है थोड़ा सा। तो मैंने भी बहुत सारे केव्स नहीं देखे, लेकिन जो भी देखे बहुत मज़ा है, बहुत अच्छे केव्स है। आपको भी कहीं मौका मिले तो आप जाइए, आप भोपाल उतरिए, भोपाल स्टेशन हबीबगंज उतरिए, और वहाँ से आप जब इटारसी की तरफ आएंगे तो अबिदुल्लागंज स्टेशन पड़ता है। आप छोटा ट्रेन ले लो, मेमो ट्रेन ले लो, तो आप लगभग 40 मिनट पहुँच जाओगे भोपाल से। इवन भोपाल से बस मिलती है जो इटारसी वगैरह की तरफ बस आती है, वो बस भी आपको उतार देंगी, बिल्कुल रोड पर उतारेगी। वहाँ से आपको एमपी टूरिज़्म का बहुत सारा एक्सिस्टेंस मिल जाएगा, बहुत अच्छा मेंटेन किया है, खाने पीने की व्यवस्था है, आपको घुमाने के लिए भी आपको ना, आप बाइक से भी जाओ तो 200 रुपये पर पर्सन में बाइक से घुमाते हैं। तो है देखने का, हिस्ट्री अपना जीता जाता है, इतिहास है, आपको मौका लगे आप बिल्कुल देखिए। इस पेंटिंग की बात हो रही थी, इस पेंटिंग की बात हो रही थी, मैं इसको बड़ा करना चाह रहा था। हाँ देख, देखो ये फ़ोटो लिया गया है, मेरा खुद का नहीं लिया गया है, मैंने भी नेट से लिया है, मेरे पास भी है लेकिन इतने क्लियर नहीं है। अब आप यहाँ पर देखो ये चीज़, ये पेंटिंग जो है वो भीम बेटका के अंदर में ड्रॉ किया गया है, और ये कुछ डिपिक्ट कर रहा है। क्या डिपिक्ट कर रहा है अभी तो हर आदमी के अपने ओपिनियन में डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो चीज़ें यहाँ हैं बस उसको ऑब्जर्व करो। अब देखो कि यहाँ कोई ऐसा है जो बैठा हुआ है इस एरिया में, कोई यहाँ पर छोटा ही कर लेते हैं, लिखने में आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो बैठने को आपको आपको बैठने के लिए दिख जाएगा, कोई ना कोई बैठा हुआ है इस एरिया में। उसके बाद आप जब देखो यहाँ पर बीच में कुछ एरिया में इस तरफ, तो आपको दिखेगा कि मतलब कि ये कहीं ना कहीं कुछ वीपन इनके हाथ में, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं या वीपन है। इनके हाथ में भी आप देखो तो कुछ ना कुछ वीपन है। यहाँ पर भी ये कुछ, मेरे को तो ऐसा लगता है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ऐसा, है ना, ड्रम या मांदर वगैरह वो हो सकता है। यहाँ तो इनके हाथ में मेरे को बिल्कुल त्रिशूल नज़र आता है, ये वाला पार्ट। फिर ये तलवार वगैरह हो सकता है, ये भी तलवार हो सकता है, ये तलवार भाला हो सकता है, लेकिन जहाँ पे ये इन्होंने पकड़ा हुआ है उसके हिसाब से तो भाला ही हो सकता है। अगेन ये भी भाला या तलवार हो सकता है, इसके पास कुछ नहीं है। ये जो आदमी है इसके पास हम देखो वीपन भी काफ़ी मोटा है, अगर घोड़ा है तो वो भी बहुत सजाया हुआ टाइप का लग रहा है। तो हो सकता है कि ये सरदार हो उन लोगों का या लीडर हो, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे इन्होंने कुछ जो ड्रॉ किया है, हो सकता है कि कुछ ये आभा टाइप का होता है ना, लाइट वगैरह रोशनी आ रही होती वो है, और यहाँ पे कुछ जानवर भी है, है ना। अब इसका इंटरप्रिटेशन हर आदमी का अलग हो सकता है। मेरा इंटरप्रिटेशन देखो यहाँ पे भी आप देखो मछलियाँ वगैरह बनाई गई है इस तरीके का, ठीक है। अब मेरा इंटरप्रिटेशन क्या कहता है कि ये एक ऐसा इवेंट हो कि वार वगैरह ख़त्म हुआ हो और लोग सब अपने देवी देवताओं के सामने में जमा हुए हो, ठीक है, ये भी कुछ मानते हो। और ये ना मेरे को लग रहा है वो बलि वगैरह देने का कोई सीन है, आहुति देने की बात चले, और इनके हाथ में जो काटने वाला चीज़ है शायद ये उससे उसको काटेंगे, ये मुर्गी या कोई ऐसा जानवर लग रहा हुआ है, और सब लोग घेराबंदी करके खड़े पड़े। अब आप क्या इंटरप्रेट करते हो आप बताओ कि भाई आपको देख के, लेकिन आप ये मान के चलो कि ये कम से कम 6 से 7 हज़ार साल पुराना है ये ड्राइंग, और उन्होंने बनाया, यानी कि 6-7 हज़ार साल पहले लोग ये सब चीज़ करते थे, ऑब्जर्व करते थे, इनको लगा है इसको ड्रॉ करना चाहिए कि कल को आकर कोई मेरे ऊपर लेक्चर बनाएगा तो उसको क्या मिलना चाहिए, तो उसके लिए बनाता है, नहीं इन्होंने अपनी चीज़ों को प्रिजर्व किया। और जब ये, अच्छा ये सोचो कि जब इनमें ये सोच आ गई कि इसको प्रिजर्व करना चाहिए, तो कितने पहले समय से ये चीज़ें होती आई होंगी जिसको प्रिजर्व नहीं किया गया। लेकिन ये वाला जो आप फिगर आप देख रहे हो, ये फिगर आप बिल्कुल यहाँ से काट के रख लो, एकदम मज़ेदार चीज़ है ये वाला फिगर, ठीक है। आप जब भी देखोगे जहाँ भी ट्राइब्स को डिनोट किया जाता है ट्राइब्स, ठीक है, वहाँ पे यही फिगर बनाया जाता है, और लगभग पूरे विश्व में बहुत जगह पे ऐसे फिगर देखने को मिलते हैं, यानी कि ह्यूमंस अपने आप को इस तरीके से दिखाते थे कि वी आर ह्यूमन, इस तरीके की चीज़ देखेंगे। इवन जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, जो आदिवासी मंत्रालय ये सब चीज़ें हैं, ट्राइबल मंत्रालय है, उनका भी जो लोगो है वो इसी तरीके का लोगो है। आप जहाँ भी म्यूजियम में जाओगे वहाँ भी आपको यही फ़ोटो दिखेंगे,
आप मध्य प्रदेश जब आप ट्रैवल करोगे तो आप देखना, आप हर रेलवे स्टेशन के चार दीवारी में आपको इस तरीके की इमेजेस मिल जाएंगी, हर रेलवे स्टेशन में जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उन पे। तो ये यहीं से लिया गया है, ठीक है, याद रखना यहाँ से लिया गया। जहाँ भी आदिवासी पुराने कल्चर और आर्कियोलॉजी दिखाते हैं वहाँ इस तरीके का इस्तेमाल आता है। बिल्कुल, लाइफ में ऐसी ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, कभी भी काम आ जाएंगी। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आप देखना इंटरप्रेट का नाम बताना कि आप क्या समझ पाए हो, ठीक है। चलो म्यूरल पेंटिंग वगैरह बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हमने वो भी बोला ना, म्यूरल पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग, क्या ये एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकते, भाई म्यूरल पेंटिंग क्या होता है? तो केव पेंटिंग ही होते हैं, केव के इनर वाल पर जो पेंटिंग होता है वो। द म्यूरल पेंटिंग आर आर्टवर्क इज डेट बैक टू द टाइम्स ऑफ बियॉन्ड द पेज ऑफ हिस्ट्री, जहाँ से पढ़ा भी नहीं जा सकता। इट इज फॉर्म अ वैल्यूएबल टेस्टिमनी ऑफ लाइफ ऑफ द प्री हिस्टोरिक टाइम। तो देखा हम भीमबेटका का भी कैसे हुआ। इट इज एसोसिएटेड विद मॉडर्न मैन, यानी कि न्यूलिथिक वाला, हु फर्स्ट अपीयर्ड इन अफ्रीका अराउंड 200,000 BC। अब देखो मतलब यहाँ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन एसोसिएटेड कहा जा रहा है, लेकिन उतना पुराना कहीं मिला नहीं हमको। एंड बिगेन माइग्रेटिंग नॉर्थवर्ड इन टू यूरोप एंड एशिया एंड समटाइम 1,00,000 BC। अगेन दिमाग में रखने वाली चीज़ है, पेपर के लिए नहीं। फॉर द केप पेंटिंग लेसकॉस हमने बोला ना, ग्रोटल्स इन साउथर्न फ्रांस, या ये याद रखना, पूछ देंगे पेपर में कहाँ है भीमबेटका, कहाँ है आपको तो पता ही है, अभी हमने डिस्कस किया। टू द पीपल हैव लिविंग साइंस ऑफ देयर ऑन एग्जिस्टेंस इन मैनी प्लेस अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। चलो ये मजेदार है, ये है ना चरामा पेंटिंग, गया हूँ यहाँ पे मैं, लेकिन मैंने मतलब ये पेंटिंग नहीं देख पाया उस वक्त। छत्तीसगढ़ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड कल्चर प्लान्स टू सीक हेल्प फ्रॉम नासा एंड इसरो फॉर रिसर्च ऑन 10,000 years old रॉक पेंटिंग डिपिक्टिंग एलियंस एंड UFO इन चरामा रीजन कांके। देखो मजेदार चीज़ है, जहाँ भी ट्राइबल रीजन आएगा वहीं से भी चीज़ मिलने वाला है। उत्तर बस्तर का एरिया है, उत्तर बस्तर जिसको कांकेर कहा जाता है। फिर एक दक्षिण बस्तर है जो कि नक्सल हिट एरिया है पूरा, याद रखिएगा। उत्तर बस्तर, नक्सल, दक्षिण बस्तर, उत्तर बस्तर थोड़ा बहुत साफ सुथरा एरिया है। इस एरिया में चरामा नाम का एक जगह है जो कि छत्तीसगढ़ के लगभग 100 किलोमीटर के आसपास में, सॉरी रायपुर से 100 किलोमीटर की दूर पर पड़ता है। वहाँ पर कुछ केव्स के अंदर में ये पेंटिंग्स निकल के, ये वहीं की पेंटिंग है, जिसमें आप देखो कि यहाँ पे इस तरीके के जो आदमी को बनाया गया है, हमने बोला ना अभी कि जब भी वो ट्राइबल को डिपिक्ट करने की बात है कि वो ऐसा तस्वीर आएगा, लेकिन यहाँ पर जो डिनोट किया गया है, यहाँ पर उन ट्राइबलों को नहीं दिखाया गया, यहाँ पर बहुत अजीब तरीके के लोगों को दिखाया गया। आप देखो बहुत अजीब तरीके के लोग दिखाए गए, और UFOs वगैरह की फ़ोटो बनाई गई है, उड़न तस्तरियाँ वगैरह बनी पड़ी है। तो यहाँ के रिसर्चर ने बोला है भाई नासा और इसरो के लोग आइए और रिसर्च करिए और देखे यहाँ पे क्या है। हो सकता है कि कभी, हो सकता है कि बाहर से UFOs वगैरह आ गए हों, दिख गए हों, ऐसे लोग उतरे हों, कुछ भी पॉसिबिलिटी है इतिहास में। इनके दिमाग में इतना सोच तो था नहीं कि आगे चल करके इस तरीके की चीज़ें होंगी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखा होगा तभी इन्होंने ड्रॉ किया होगा। बहुत मज़ेदार चीज़ है, याद रखिएगा कि चरामा के एरिया में UFOs वगैरह की भी इमेजेस बनी पड़ी हैं, और ये लेटेस्ट नहीं है, कार्बन डेटिंग किया है, पता है कि पुराना है, ठीक है, ये 10,000 साल पुराना है, ऐसा नहीं कि अभी हाल फिलहाल ने किसी ने ड्रॉ कर दिया। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजी दिस पेंटिंग एंड डिफेक्टेड एलियंस लाइक दोज सोन इन हॉलीवुड एंड बॉलीवुड फ्लिक्स। दिस पेंटिंग्स वे फाउंडेड 130 किलोमीटर फ्रॉम रायपुर द केव्स कमांडर विलेज चंदेदी एंड गोटीटोला। चरामा आप कभी आओ लाइफ में रायपुर वगैरह तो आके देखना, हिस्ट्री से अगर आप प्रेम करते हो तो जाओगे देखोगे। इस एरिया में बहुत कुछ है, मतलब भरा पड़ा है इतिहास, भारत का पूरा इतिहास मिल जाएगा आपको अच्छा खासा। ओंगना का इलाका छत्तीसगढ़ अगेन हमने बोला, उस तरीके का फोटो थोड़ा सा अलग, अगेन यहाँ भी केव पेंटिंग मिल जाएंगे, सेम एरिया यहाँ भी पेंटिंग मिल जाएंगे। ये एक काकराभाट करके जगह है छत्तीसगढ़ में ही, यहाँ पे आपको ये जो एरिया है ना, ये ब्यूरियल प्लेसेस है और ये एक मेसोलिथिक प्लेस है, यानी कि कम से कम 10,000 साल पुराना, 10,000 साल पहले का है। यहाँ पे आपको बहुत सारी डेड बॉडीज मिली हैं, एक साथ में लगभग 40-50 डेड बॉडीज मिली है जो कि उस समय की है, और सब एक पैटर्न में यहाँ पे दफनाई गई है, ठीक है। यहाँ पे भी रिसर्च चल रहा है, आगे बहुत कुछ अच्छा आ सकता है देखने को, ठीक है। एक और केव है लखुदिया रॉक पेंटिंग फाउंड इन उत्तराखंड, यहाँ भी देखो आप वैसा ही इमेज है जहाँ पे जैसा चरामा में बनाया गया, ये ओंगनाएँ बनाया गया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, और ये उत्तराखंड में, ठीक है। अब ऐसा तो बिल्कुल सेम तो हो नहीं सकता,
कुछ तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए, मतलब वो अगेन ये मंदार वगैरह जो है ये भी देखने को मिलता है। तो अब आते हैं जो इस एरिया के बारे में बात करें, तो ये केप पेंटिंग बना रही है कौन? ये पेंटिंग बनाने वाले ज़्यादा तो जो लोग हैं जो लंबे समय से वहाँ रहते आ रहे हैं वह है गोंड पीपल, मतलब जिनके नाम पे ये गोंडवाना का एरिया बसा था। गोंडवाना है ना, अभी हमने बोला ना गोंडवाना अंकारालैंड, तो ये गोंड पीपल। हालांकि गोंड का मतलब ऐसा किसी लोग से संबंधित नहीं होता है, गोंड का मतलब होता है फॉरेस्ट। इस एरिया में गोंड का मतलब फॉरेस्ट होता है और इस एरिया में विंध्य का मतलब फॉरेस्ट होता है, ठीक है। ये जो उत्तर प्रदेश का विंध्याचल रेंज आप जानते हो ना, विंध्याचल मिर्ज़ापुर का एरिया पूरा, वहाँ पे विंध्य कहने का मतलब होता है फॉरेस्ट और इस एरिया में गोंड का मतलब होता है जंगल, जो जंगल में रहने वाला गोंडवाना, ठीक है, यानी कि गोंडी। तो ये पूरा एरिया गोंडवाना ही, इस तरीके से जो हमारा जो एशिया वाला जो नीचे का पार्ट है, इंडिया वाला पार्ट, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का पार्ट, उसको गोंडवाना कहा जाता था, कहीं ना कहीं इनके कारण कहा जाता था, ठीक है। इन गोंडी पीपल की एक थोड़ी मजार है कि एक इनका भी अपना एक पेंटिंग का तरीका है, ये जंगल कलम, ये इंपॉर्टेंट है यार यूपीएससी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ देंगे कभी भी, इवन एसएससी में भी पूछ सकते हैं कि ये जो जंगल कलाम है, जंगल कलाम ये क्या है, तो ये एक तरीके का पेंटिंग है, कलाम या कलम, ठीक है। एक व्यक्ति थे जंगल श्याम सिंह, ठीक है, श्याम सिंह, सॉरी श्याम सिंह, ठीक है, श्याम सिंह, उन्होंने इस पूरे आर्ट को डेवलप किया। ये ना इस एरिया में एक मंडला नाम का डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, इस एरिया में मंडला। आप कभी कान्हा नेशनल पार्क अगर आओ ना, कान्हा जानते हो, कान्हा नेशनल पार्क बहुत फेमस है, बहुत डेंस फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है और टाइगर वगैरह तो दिखते ही है। तो इस कान्हा जो है ये मंडला डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने जंगल कलम को, यहाँ पे ट्राइबल आर्ट ऑफ गोंड पूछ सकते हैं ये कि जंगल कलम कौन से ट्राइब से एसोसिएटेड है, तो गोंड से एसोसिएटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। ये भारत की सबसे पुरानी आदिवासी सेटलमेंट में से एक है, ठीक है, नागा गोंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में इसके बारे में जरूर थोड़ा बहुत रिसर्च करना, आपको बहुत काम आएगा। तो इस एरिया में, जिस एरिया में हमको सेटलमेंट ट्राइब और ये पूरे केव्स मिलते हैं, ये एरिया गोंडी पीपल से बड़ा, पॉपुलेशन यहाँ पे इनकी काफ़ी ज़्यादा है, कहा जा सकता है कि इनके ही पूर्वज यहाँ पर रहते थे, इन्होंने सब ये डेवलप किया। तो गोंड ट्राइब के बारे में दो तीन चीज़ देख लिया जाए, दी गोंड आर ड्रविडियन पीपल, यानी कि साउथ इंडिया से स्कैटर्ड ओवर मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र, विदर्भ का क्षेत्र जो है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड वेस्टर्न उड़ीसा, इवन झारखंड, बिहार के भी कुछ एरिया में। दी वर्ल्ड गोल्ड कम्स फ्रॉम कोंड विच मीन्स ग्रीन माउंटेन्स इन दी ड्रविडियन, ठीक है, मतलब ये गोंड यहाँ के लिए इन्होंने अपने लिए जंगलों कहा, कोंड जो कि ड्रविडियन वर्ड में आता है, ठीक है। दी प्राइम लैंग्वेज इनकी गोंडी है, अभी हमने बोला जो तेलुगु वगैरह थोड़ी मैच करती हैं। दी हाईलैंड्स ऑफ द बस्तर रीजन इन द साउदर्न छत्तीसगढ़ दी होम ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट गोंड ट्राइब, मड़िया, बाइसन मड़िया और हिल मड़िया, मतलब ये गोंड में भी इनका तीन है, मड़िया बाइसन इंपॉर्टेंट है, याद रखना पेपर के लिए काम आ सकता है। द लास्ट हु इनहेबिटेड दी रग्ड अबू जमा हिल्स आर द मोस्ट आइसोलेटेड देयर ट्रेडिशन कल्चर स्लैश एंड बर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लैश एंड बर्न जो है ना, झूम कल्चर भारत के बहुत से एरिया में, पश्चिम बंगाल में भी, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, इवन हरियाणा वगैरह में भी इस तरीके का स्लैश एंड बर्न आता है, ठीक है, पराली वगैरह जलाने वाली बात आती है अगेन, यानी कि ये चीज़ कहा जा सकता है कि अगर बस्तर में भी आपको सेम टेक्निक दिख रहा है, आपको पश्चिम बंगाल में भी सेम टेक्निक दिख रहा है, आपको दिल्ली के एरिया में भी, यानी जब वहाँ आप देखते हो ना पराली के ऊपर कितना इशू होता है, सेम टेक्निक दिख रहा है, यानी कि अगेन जो एग्रीकल्चर है फिर कॉमन जगह से आ रहा है ना, हम तो यही कह सकते हैं कि हज़ार हज़ार किलोमीटर का डिफरेंस है और टेक्नोलॉजी सेम है, यानी कि सोर्स ऑफ द ओरिजिन और टेक्नोलॉजी सेम, कहीं ना कहीं बस थोड़ा थोड़ा वो ट्रांसफॉर्म होता चला गया, कल्टिवेशन ऑफ द हिल स्लोप्स, समझ रहे बात को, सोचने वाली बात है ये सब। The villages are periodically move and commonly owned land of each clan contains several villages. हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि ये ऐसे ऐसे जो पुराने ट्राइबल सेटलमेंट होते हैं इनमें किसी एक व्यक्ति की ज़मीन नहीं होती, मतलब उनका ज़मीन नहीं होता,
जमीन जो होता है वो गांव का होता है और वैकेंट होता है। गांव मतलब पूरा जमीन है, खाली है, आप जिसको फ्री है, जिनको एग्रीकल्चर है, मतलब ये गांव नहीं रहते, ये बड़े मान लो 500-700 लोगों का सेटलमेंट है, तो ये पूरे 500-700 लोग एक सेटलमेंट एक फैमिली के रूप में रहते हैं। उनमें से 20 फैमिली एग्रीकल्चर करेगी, तो 10-20 फैमिली पशुपालन करेगी, 10-20 फैमिली हंटिंग करेगी, 10-20 फैमिली कपड़ा बनाने का काम कर लेंगी, 10-20 फैमिली कुछ और कर लेंगी, घर मकान बनाने का काम करेगी, बस जीवन चल जाता है इनका। इनको आपकी तरह मोबाइल, इंटरनेट, वाईफाई, जियो, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, इनका समय निकल जाता है। अभी भी मतलब इस एरिया में, बस्तर और इसके आसपास के अबू झमार का एरिया, याद रखना अबू झमार, आपने महाभारत जब पढ़ा होगा ना, आप याद रखना, महाभारत आप जब देखे होंगे तो उसमें दंडकारण्य है ना, कारण्य समझते हो, दंडकारण्य आपने नाम सुना होगा। अरण्य का मतलब होता है जंगल, दंड का मतलब होती है सजा, यानी कि ऐसे जंगल जहाँ सजा देने हेतु लोगों को भेजा जाता हो उसको दंडकारण्य, वही अबू झमार है। जो आज का अबू झमार है वही पिछले समय का दंडकारण्य है, ठीक है। और ये वो पूरा आपको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर का जो पूरा एरिया है वो वाला एरिया है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी हिस्ट्री इस तरह से छुपी पड़ी है, कभी जाने का मौका यहाँ नहीं मिला, लेकिन जाने के ऊपर में और कुछ समझ में आएगा। तो आप गोंड ट्राइब के बारे में जो डिटेल यहाँ बेसिक है पढ़ना, और पढ़ना बहुत कुछ है इनके बारे में, ठीक है। अब यार मेरे को जो दिखा ना, मैं वो बताता हूँ, मैं इस एरिया में विजिट किया हूँ, बस्तर के एरिया में, वहाँ पे आप जब देखोगे तो ये बाइसन होन मरिया ट्राइब है, ठीक है। बाइसन होन आप जब देखो ना, आप अभी मोदी साहब भी जब कुछ दिन पहले गए थे तो उनको भी इस तरीके का एक इन्होंने टोपी पहनाया था। बाइसन और मरिया सो कॉल्ड फॉर देयर डांस हेड्रेसेस लिव इन लेसिली, ये पढ़ना कुछ काम का नहीं, ये पढ़ना है, आप इमेज देखो बस। देखो ये जो बाइसन हिंद मरिया ट्राइब है, ठीक है, बस्तर के मरिया ट्राइब, जिन जो गोंड का एक प्रजाति है, इनका जो अपना एक पहनावा है वो बाइसन हॉर्न, ये टोपी है, इनके हाथ में ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है मांदर, ठीक है। अब ये जो बगल में है हमारे पास में, ये एक सील है, ठीक है, ये पशुपतिनाथ का सील है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा से यहाँ पे निकली, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये पूरे एरिया से ऐसी ऐसी काफ़ी सी निकली, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस पॉपुलर सील हुई वो पशुपतिनाथ की सील हुई। अब बस अगर आप इस सील को देखो और आप यहाँ किसी व्यक्ति से रिलेट करो तो आपको बहुत कुछ से मिल जाएगा। ऑल दो यहाँ पे इसके हाथ का जो यहाँ पे इन्होंने मतलब कोई ये मानदर तो नहीं पकड़ा हुआ है, लेकिन हाथ रखने का तरीका बिल्कुल सेम, हालांकि ये बैठे पड़े हैं, लेकिन ये पूरा पार्ट है, ये बिल्कुल देखो आप, यहाँ खुला पड़ा ये ऐसा, यहाँ भी खुला पड़ा ये ऐसा, इनका जो हॉर्न है ये थोड़ा सा ज़्यादा कर्व्स है, यहाँ इनका उतना कर्व नहीं है, बट फिर भी मेरे को तो 30-40% सिमिलरिटी लगता है, ठीक है। मेरे दिमाग में क्लिक किया था यार ऐसा कहीं देखा है, मैंने भी ये सोचा, ठीक है। और फिर सेम टू सेम, केवल ये एक एविडेंस नहीं है, एक और चीज़ है, आप इसको देखो, दिस इज बेल मेटल आर्ट ऑफ बस्तर कॉल ढोकरा, ठीक है, दिस इज ढोकरा आर्ट, ठीक है, ये ढोकरा आर्ट, DHOKRA, ढोकरा आर्ट, ढोकरा आर्ट का मतलब जो मूर्ति बनाने का कला है वो ढोकरा कहलाता है। और यह है डांसिंग अलोप मोहनजोदड़ो, अब आप अगेन सिमिलरिटी पे रहो, देखो एक फेस का जो अपना बनावट है सेम है ना, आईज का जो बनावट आपको दिख रहा होगा लगभग सेम है, आप गले को देखो, इन्होंने भी कुछ इस तरीके का पहना है, थोड़ा सा इन्होंने भी थोड़ा उस तरीके का पड़ा हुआ। आप हाथ में बैंगल्स देखो, यहाँ पे बैंगल्स देखो, बॉडी में जिस तरीके के बॉडी का प्रोपोर्शन बनाया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे ये इस पार्ट को ज़्यादा यहाँ बड़ा किया गया है, यहाँ पे ये पार्ट छोटा है, पैर बड़ा है, यहाँ पे पैर छोटे हैं, यहाँ पे पैर बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये जो बैंगल्स वगैरह है थोड़ा बहुत, तो अगेन कहने का मतलब क्या है कि कुछ सिमिलैरिटी तो है, ऐसा नहीं कि कोई सिमिलैरिटी नहीं है। जैसे मैं अभी बोल रहा था आपको कि आयरन और कॉपर इधर उधर आए, तो ये भी हो सकता है कि बस्तरिया पीपल और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या गोंड ट्राइब या इनमें कुछ ना कुछ कनेक्शन हो, दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी हो जो अभी तक ज़्यादा ऐसे लोगों के बीच में नहीं आई है, नहीं रिसर्च किया गया है,
कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि भाई जो भारत हमारा है विविध है इतनी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है। अब ये जो एक्सकवेशन है ये लगभग 4500 साल पुराना है, 45 ईयर्स है वो, तो हो सकता है कि वही लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ लोग हो सकता है कि धीरे धीरे इधर होकर के आ गए। लेकिन अगेन हमने अभी पढ़ा जैसे कि महाभारत फेज में इस एरिया में ज़्यादा मेटल वर्क होता था, उस एरिया में कम मेटल वर्क होता था, तो ये भी हो सकता है कि ये मेटल वर्क बहुत लंबे समय से छत्तीसगढ़ में चला आता हो, इधर के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में चले गए हों और वहाँ उनके पास में जो रिसोर्सेस हो उसको इस्तेमाल करके और वहाँ के लोगों का इनपुट लेकर के इन्होंने थोड़ा कुछ बनाया हो, अपने जैसा जानते हो उन्होंने वैसा वहाँ बना दिया हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। रिसर्च आर्कियोलॉजी ये सब चीज़ें जब निकल के आएंगी तो देखेंगे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करेंगे, जब अच्छा खासा डिस्कशन तो हुआ, आपको बहुत कुछ समझ में आए होगी, आप कमेंट वगैरह ज़रूर देना, आपके मन में जो डाउट आई, जो कुछ समझ में आया, जो कुछ मतलब अगर मेरे से कुछ गलती मैंने कुछ गलत बताया दिया आप उसको भी सुधारना करेक्ट करवाना, और आपको भी कुछ अगर पूछना हो जो मैंने डिस्कस नहीं किया या कुछ भी जानना चाहते हो आप बिल्कुल कमेंट करना, और अभी भी लेक्चर्स और लेकर के आएंगे धीरे धीरे, है ना। चलो ओके, थैंक्स।